हाय गाइस, दिस इज सीए इंद्रेश गांधी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 3 और सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का। चलिए एक बार हम नया कुछ आज पढ़ने से पहले हम लोग पहले पुराना रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमारी नॉर्मली मैं बोलूंगा तो हमारी स्ट्रैटेजी जो होती है, हम लोग कुछ भूलने नहीं देते, पुराना कुछ भी भूलना नहीं है, आगे नया पढ़ते जाना है। हमने सबसे पहले चालू किया था सेक्शन नंबर 141 से, जिसमें आया था क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ भैया, ध्यान देना, क्वालिफिकेशन की जब बात करूंगा आपके दिमाग में दो लोग आने चाहिए, एक तो कौन, इंडिविजुअल, दूसरी फॉर्म। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखना है, वो पर्सन कौन होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और उसके पास सीओपी होना चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं फॉर्म की, तो फॉर्म में क्या बोला गया है, वेयर मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। मतलब क्या, उसमें से मेजोरिटी इन नंबर होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का, जो जिसके पास सीओपी है। मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं डिस्क्वालिफिकेशन की। डिस्क्वालिफिकेशन में सबसे पहला पॉइंट आया था बॉडी कॉर्पोरेट है तो डिस्क्वालिफाइड, लेकिन अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो क्वालिफाइड हो जाएगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ दी कंपनी, कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय तो फंस जाएगा यहां पे, वो ऑडिटर नहीं बन सकते। फिर तीसरी मैंने बात किया था यहाँ पे पार्टनर और एम्प्लॉय, पार्टनर या कोई ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट में है किसके साथ, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। देखो ये कंपनी है, ये कंपनी देखो याद रखो, यहाँ पे है ना, ये कंपनी है ठीक है, उसका ऑफिसर या उसकी एम्प्लॉय, उसका ऑफिसर या उसका एम्प्लॉय, इन दोनों के पार्टनर या एम्प्लॉयमेंट में कोई होगा तो वैसे सिचुएशन में वो लोग भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ऑडिटर बनने से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जहर तरीके से मैं बोल रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, कम ऑन गाइस। तीसरी बात मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, ऐसा पर्सन, देखो ब्रेक डांस करो मेरे साथ, कौन कौन, पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, फिर से एक और बार, पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर। जब ये तीनों क्या करने लगे, जब ये तीनों करने लगे सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करने लगे किस किस के अंदर, ध्यान से सुन लियो, पांच कंपनीज है मेरे बच्चों, ध्यान से सुन लियो, पांच कंपनीज है, कंपनी खुद या उसका होल्डिंग या उसका सब्सिडियरी, फिर से एक और बार, कंपनी खुद या उसका होल्डिंग या उसका सब्सिडियरी, कंपनी खुद या उसका होल्डिंग या उसका सब्सिडियरी, उसके बाद कंपनी की एसोसिएट या होल्डिंग की सब्सिडियरी होंगी तो वो सिचुएशन में फंस जाएगा। आपको डायग्राम पे लेके जाऊंगा मैं, आओ, आओ आपको घुमा के लेके आता हूं डायग्राम के पास, देखो देखो दिख रहा है क्या, है ना, ये वाली चीज की मैंने बात किया ठीक है। ऐसे सिचुएशन में अगर तीनों में से अगर सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करते हैं ये ग्रुप कंपनीज में, तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा कि आप हो जाओगे डिस्क्वालीफाई। लेकिन यहां पे बोला गया है कि अगर रिलेटिव है तो बहुत बढ़िया बात है, रिलेटिव है तो आपको 1,00,000 तक के फेस वैल्यू की छूट दी जाती है। मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू क्यों, ठीक है, 1,00,000 तक की आपको छूट दी जाती है। उसके ऊपर अगर आप चले जाते हो तो आपको 60 दिन का समय दिया जाएगा, आप प्रॉपर चीजें, आप 60 दिन के अंदर करेक्ट एक्शन ले सकते हो। उसके बाद मैंने बात किया था डायग्राम सेम रहेगा अगर ये तीनों में से कोई भी इंडेप्टेड रहता है ग्रुप कंपनीज के अंदर। क्या बोला मैंने, तीनों में से कोई भी इंडेप्टेड रहता है ग्रुप कंपनीज के अंदर 5,00,000 से ऊपर, इन एक्सेस ऑफ 5,00,000, 5,00,000 या उससे नीचे वाले बचल जाएगा, लेकिन 5,00,000 से ऊपर अगर कोई रहता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कौन पर्सन, वो जो लाल कलर में बना हुआ है ना, देखो ये पर्सन हो जाएगा डिस्क्वालीफाई। रिलेटिव और पार्टनर की तो बात ही नहीं आ रही, यहाँ पे हम पर्सन की बात कर रहे हैं। फिर हमने तीसरी बात किया थे, अगर वो गारंटी देते हैं इन रिलेशन टू थर्ड पर्सन 1,00,000 से ऊपर तो फिर से फंस जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारा बढ़िया रिवीजन चल रहा है, बहुत आपको मैं जानता हूँ, आपको पूरा याद आ रहा हूँ। हाँ फिर चलो आ जाओ, फिर हम लोग कौन सा देखेंगे बच्चों, ई वाला पार्ट देखेंगे। ई वाले में क्या बोला गया, देखो एक तो पर्सन या उसकी फॉर्म, फिर से एक और बार, एक तो पर्सन या उसकी फॉर्म, अगर इन दोनों का बिजनेस रिलेशनशिप रहता है कंपनी के साथ, उसके होल्डिंग के साथ, उसके किसके, देखो कंपनी के साथ, उसके होल्डिंग के साथ, उसके एसोसिएट के साथ, और ये तीनों के सब्सिडियरी के साथ, फिर से एक और बार देखो, ध्यान रखो, पर्सन खुद या उसके फर्म का अगर बिजनेस रिलेशनशिप रहता है किस किस में, कंपनी में या उसके होल्डिंग में या उसके एसोसिएट में, या तीनों के, क्या बोल दिया मैंने, या तीनों के क्या, तीनों के सब्सिडियरी में भी, तो मैं बोलूंगा ऐसे सिचुएशन में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो फर्म या वो इंडिविजुअल पर्सन। अब मेरी एक बात बताओ मुझे, यहां पे बिजनेस रिलेशनशिप मतलब क्या, बिजनेस रिलेशनशिप मतलब ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इंटू फॉर कमर्शियल पर्पस, फिर से, एनी ट्रांजेक्शन विच इज एंटर्ड इंटू फॉर कमर्शियल पर्पस, मैं बोलूंगा ये बिजनेस रिलेशनशिप है, एक्सेप्ट, लेकिन बोला गया है कि ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन को बिजनेस रिलेशनशिप में नहीं गिना जाएगा। पहला कौन सा, परमिटेड वाले ट्रांजेक्शन जो आईसीआई अलाउ करता है कि आप कर सकते हो, और दूसरा ऐसे ट्रांजेक्शन जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे, क्या बोला मैंने, जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो, वैसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि वो भी चल जाएगा। एफ वाली बात कर रहा हूं मैं, एफ वाली ध्यान से रख लो, सुनो मेरी बात, देखो
क्या बोल रहा है यहाँ पे, पर्सन। देखो क्या बोला, अ पर्सन हुज रिलेटिव, यहाँ पे क्या बोल दिया, अ पर्सन, पर्सन का रिलेटिव अगर डायरेक्टर है या एम्प्लॉयड एज अ डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन इन द कंपनी, तो वो कंपनी का, मुझे एक बात बताओ, वो कंपनी का मैं ऑडिटर बन सकता हूँ क्या, नहीं बन सकता। मैं सपोज एलिजिबल ऑडिटर हूँ, ठीक है, मैं ऑडिटर हूँ, मान लीजिए मैं पर्सन हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग सीओपी, मेरा अगर कोई रिलेटिव एज अ डायरेक्टर काम करता है या मेरा कोई रिलेटिव अगर एम्प्लॉयड एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन है कोई कंपनी के अंदर, तो वो कंपनी का मैं ऑडिट नहीं कर सकता, मैं ऐसा बोल रहा हूं आपके साथ, ठीक है, चलिए आपको समझ रहा हूंगा। उसके बाद हमने देखा था अगर कोई पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर है तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता, और उसके साथ साथ ऐसा भी आया था कि एक कंपनी एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब क्या बोल रहा है, एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट या री अपॉइंटमेंट आपके पास मैक्सिमम 20 कंपनीज के ऊपर आप ऑडिट नहीं लग सकते, नहीं ले सकते। वो 20 कंपनीज में किस किस को इंक्लूड नहीं करना है मेरे साथ ध्यान रखियो, पहला इकलौता अगर कोई कंपनी वाला होगा, दूसरा डोरमेंट कंपनी, तीसरा स्मॉल कंपनी, चौथा प्राइवेट कंपनी, जिसका मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका कैपिटल, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप ऑथराइज नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होना चाहिए, 100 करोड़ से नीचे होना चाहिए, उसके अमाउंट जो उसको रिसीव हो चुका है वो 100 करोड़ से अगर जब कम होगा मेरे दोस्तों, तो ऐसे सिचुएशन में वो चल जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट ये था कि पर्सन, देखो पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर सेक्शन 144 की, क्या बोला मैंने, अगर सेक्शन 144 की सर्विसेज देता है किसके अंदर, कंपनी के अंदर, होल्डिंग के अंदर, कंपनी के अंदर, होल्डिंग के अंदर या उसके सब्सिडियरी के अंदर, फिर से एक और बार, पर्सन मैं क्या करता हूं यहां पे, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनियो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर मैं सेक्शन 144 की सर्विसेज दे रहा हूं कंपनी के अंदर या उसके होल्डिंग के या उसके सब्सिडियरी में, तो ऐसे सिचुएशन में मैं हो जाऊंगा डिस्क्वालीफाई, कम ऑन। हां, उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 144 में कितने सर्विसेज आती है, सेक्शन 144 में टोटल 9 तरह की सर्विसेज आती है, आपको बोलना होगा, सबसे पहले बुककीपिंग की सर्विसेज मैंने आपको बोल दिया था, दूसरा इंटरनल ऑडिट, बुककीपिंग इंटरनल ऑडिट ध्यान रखना, फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फिर मैंने बोला था एक कतई जहर चीज होती है जो क्या है, मैनेजमेंट सर्विसेज करके, फिर मैंने बोला था फाइनेंशियल सर्विसेज से दो चीजें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम और फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअरी करते हैं, तो एक्चुअरी को भी ले लेना, और आखिर में एनी अदर पॉइंट, जिंदगी कितनी आसान है आप ही देखो, क्या पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ भी फालतू चीजें हो रही है ये सब, ठीक है, ध्यान दो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट मैंने तब पर्पसली छोड़ दिया था, वो क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान दो यहां पे, ये वाली चीज अब आपको समझ जाएगा, वैसे अब आपको समझना चाहिए, देखो, वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 141(3), आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ही शैल वैकेट हिज ऑफिस एज सच ऑडिटर, सच वैकेशन शैल बी डीम्ड टू बी द कैजुअल वैकेंसी इन द केस ऑफ ऑफिसर और इन केस इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। मतलब क्या, मैं अपॉइंट होने के बाद मुझे 141 के डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया। आपको एग्जाम्पल देके आपको ड्रॉइंग करके बताऊंगा तभी आपको मजा आएगा, ऐसे आपको समझ नहीं वाला है, ठीक है। देखो यहां पे ऑडिटर अपॉइंट हो गए, यहां पे क्या हुआ मेरे दोस्तों, ऑडिटर अपॉइंट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जब ऑडिटर अपॉइंट हुए ना, वो ऑडिटर अपॉइंट हुए मान लीजिए इतने टर्म्स के लिए, ये इतने टर्म्स के लिए ऑडिटर अपॉइंट हुए हमारे, तो क्या हो जाता है, यहाँ चल के है ना ऑडिटर साहब को डिसक्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाता है। इनका कोई जो रिलेटिव है ना, इनका जो कोई रिलेटिव है उसने क्या किया, 1 लाख प्लस सिक्योरिटी होल्ड कर लिया, 1 लाख प्लस के फेस वैल्यू की सिक्योरिटी होल्ड कर लिया सेक्शन 141 के, जो हमने सेक्शन 141 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, उसमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर मैं अट्रैक्ट कर जाता हूं, तो ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर को क्या करना होगा, ऑडिटर को नौकरी छोड़ना पड़ेगा। और उस नौकरी छोड़ने पर हम लोग बोलेंगे कि जो ऑडिटर है, ऑडिटर का ऑफिस में क्या हुआ है, कैजुअल वैकेंसी हुई है। क्या है मेरे दोस्तों, कैजुअल वैकेंसी हो गई है ऑडिटर के, इसमें हम लोग ऐसा बोलेंगे उसको, समझा क्या मेरे दोस्तों। इसका मतलब आज मैं आपको बता ही देता हूँ, मतलब आज तो आने ही वाला है आपको, अभी आपको समझ जाएगा, हमने देखा था ना अभी, अच्छा रिविजन चल रहा है हमारा, कमऑन, चलो ठीक है। ये मैंने छोटा सा एक चीज थी जो मैंने आपको बता दिया अभी, बहुत ही सिंपल सी चीज थी और कुछ नहीं। चलो ध्यान दो, दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर के लिए मैंने आपको बहुत ही जहर तरीके से चार्ट बना के दिया था, ध्यान दो, मैं जहर नहीं देता हूं, मैं अमृत देता हूं वैसे देखा जाए तो, बट चलिए ठीक है, आ जाओ कहा गया, हाँ ये है हमारा इकलौता चार्ट, हो आ जाओ।
देखो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में दो तरह के ऑडिटर हो सकते हैं, फर्स्ट ऑडिटर, सेकंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। मैंने बोला था जब कोई नई नवेली कंपनी आती है और उसके लिए हम लोग ऑडिटर अपॉइंट करते हैं तो वो कहला जाता है पहला ऑडिटर, ना कि ऐसा पर्सन कि नया नवेला चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ है और वो फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहा है तो फर्स्ट ऑडिटर, ऐसा नहीं बोलेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान रखियो अच्छे से। क्या बोला मैंने, जब कोई नई कंपनी है, जब कोई नई कंपनी है और वो ऑडिटर अपॉइंट करने जा रही है तो वैसे सिचुएशन में उसके पहले ऑडिटर को हम लोग बोलते हैं कौन सा ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर हो सकता है दो कंपनी के केस में, इन्होंने डिवाइड किया है नॉन गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, 1396 1397 1396 1397 1396 किसका, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में क्या बोला गया है बेसिकली कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिनों के अंदर अंदर अपॉइंट कर दो, अगर आप फेल हो जाते हो तो मेंबर्स 90 दिनों के अंदर अंदर ईजीएम में अपॉइंट कर देंगे। यहां पे आईसीआई साइलेंट था कि कितना 90 दिन कहां से लेना, यहां तक कि कंपनीज एक्ट भी साइलेंट है 90 दिन कहां से लेना। मैंने तो केवल मेरी चीज वहां पे के सामने द्रव्य दृष्टि में रखा था वो चीज, ठीक है। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो सीएजी को 60 दिन का मौका दिया जाता है और सेकंड अथॉरिटी को हमेशा 90 दिन का, हमेशा नहीं मतलब इस केस में 90 दिन का, फिर से पहले टाइप दिया जाता है। अगर वो फेल होते हैं तो बीओडी, हमको पता है बीओडी 30D, बीओडी 30D 30 दिन का मौका, मतलब बचे कितने मेंबर्स के लिए, 60 दिन बच चुके मेरे दोस्तों। सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करते हैं इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, तो पहले एजीएम में जो पहला साल गए उसका जो एजीएम होने वाला है ना, वहां पे एक इंडिविजुअल या फर्म को हम लोग अपॉइंट करेंगे एज अ ऑडिटर। और कब तक उसका टेन्योर क्या रहेगा, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ सिट, कैन बी, इट कैन बी, देखो ध्यान रखो, हो जरूरी नहीं है कि 5 साल के लिए हम लोग उसको अपॉइंट करेंगे, हो सकता है हमने 3 साल के लिए अपॉइंट किया, हो सकता है हमने 2 साल के लिए अपॉइंट किया, हो सकता है हमने 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया, मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, 5 साल मैक्सिमम अपॉइंट हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखियो इंडिविजुअल के केस में। आगे आपको टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले। और अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं तो इनको हर साल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, और कब करना पड़ेगा इनको, फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ कि 180 दिन के अंदर, मतलब 1 अप्रैल से आपको 180 दिन का मौका दिया जाएगा नए ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए। बहुत सही, बहुत ही प्यारा, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। फिर उसके बाद क्या होता है, कंपनी की मैं बात करता हूँ, कंपनी दो, तो कैजुअल वैकेंसी की मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। कैजुअल वैकेंसी हमने देखा अभी तक क्या हुआ, कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या, अगर कोई भी ऑडिटर उसके टर्म खत्म होने से पहले, जैसे कोई कंपनी थी, मान लीजिए कौन सी कंपनी थी, आईजी पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड, आईजी पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी थी, मैंने इसके लिए एक मिस्टर सीए हेमंत अग्रवाल को अपॉइंट किया एज अ ऑडिटर करके, ठीक है। हाँ बोल रहे सर एक तरफ क्या कर रहे हो, ये हेमंत की एक तरफ बजाते हो कि वो दूसरा ऑडिट नहीं ले सकता और इधर आप उसको ये कर रहे हो, क्योंकि वो सीओपी, मान लीजिए उसके COPA करके, तो मैंने उसको अपना ऑडिटर अपॉइंट कर दिया मेरे दोस्तों। अब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनिए, अब बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं मैं आपको। अब देखो मैंने उसको अपॉइंट कर लिया, टोटल मैंने उसको बोला आप 3 साल के लिए अपॉइंट होते हो मेरे कंपनी में एज अ ऑडिटर करके, बोलता है ओके करके। लेकिन अब क्या होता है कि 3 साल के पहले ही वो मेरा फर्म, मेरी कंपनी छोड़ के चले जाता है। फिर से एक और बार रिपीट कर रहा हूं, 3 साल के लिए मैंने उसको अपॉइंट किया था, 3 साल के पहले पहले ही वो मेरी कंपनी छोड़ के चले जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा कैजुअल वैकेंसी हुआ। जब कैजुअल वैकेंसी होंगी नॉन गवर्नमेंट कंपनी में और अगर वो 3D से रिलेटेड हुआ, डेथ ऑफ ऑडिटर, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्टेड टू ऑडिटर एंड डिसोल्यूशन ऑफ ऑडिटर, तो ऐसे सिचुएशन में 30 दिन के अंदर अंदर बीओडी अपॉइंट करेगा। लेकिन अगर ऑडिटर रिजाइन, अगर हेमंत रिजाइन दे के जाता है, बोलता है ये कंपनी में बहुत फ्रॉड है, मेरे को नहीं करना करके ये कंपनी का, मतलब अरे नहीं है यार हेमंत, तू देख के तो कर के तो देख, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बोलता है नहीं मैं छोड़ के जाएंगा करके, तो मैं बोला ठीक है जा, उसने रेजिग्नेशन दे दिया, तो ऐसे सिचुएशन में बीओडी को 30 दिन का मौका दिया जाएगा। लेकिन सिंस अब रेजिग्नेशन की बात है, मतलब हो सकता है ऑडिटर को बीओडी बहुत परेशान कर रहे होंगे, उसको स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में उसने छोड़ के चले गया, हो सकता है, तो आप आपको क्या करना होगा, बीओडी के साथ साथ आपको अप्रूवल लगेगा मेंबर्स का, जो होगा कितने दिनों में अप्रूवल, 3 महीनों के अंदर अंदर फ्रॉम द रिकमेंडेशन से 3 महीने ले लियो मेरे दोस्तों। उसके बाद अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी कब होता है, कैजुअल वैकेंसी सीएजी 30 दिन के अंदर फिल करेंगे, अगर वो फेल हो जाता है तो मेंबर्स 30 डेज में फिल कर देंगे। देखो ये हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी,
बस कैजुअल वैकेंसी बाय रेजिग्नेशन अगर होता है तो ऑडिटर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जैसे ऑडिटर को ADT 3, बोलिए मेरे साथ सब लोग, ADT 3 आपको फाइल करना पड़ेगा किस किस के पास, कंपनी के पास, रजिस्ट्रार के साथ। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर हो तो आपको CAG के पास भी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट देना पड़ेगा कितने दिनों के अंदर अंदर, कतई जहर तरीके से बोल दिया 30 दिनों के अंदर अंदर आपको करना होगा अपॉइंट, आपको करना होगा, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, आपको करना होगा फाइल। ठीक है, यहां तक हमने कवर हो, देखो 15 मिनट हो गए दोस्तों, मैंने आपको पूरा लेकिन रिवाइज करवा दिया, देखो कितना बढ़िया, अब आपको पूरा याद आ रहूंगा मैं। देखो अभी हमारे 2 दिन हो चुके हैं, तो आज मैं आपके साथ इलस्ट्रेशन करने वाला हूँ सेक्शन 141 के, जो हमने सेक्शन 141 पढ़ा ना, तो उसके इलस्ट्रेशन आज मैं डिस्कस करूंगा। आपको 2 दिन का मौका दिया मैंने अच्छे से घर पे पढ़ने के लिए, आज मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन, वो आपको आने चाहिए मेरे दोस्तों, है ना। चलो आ जाओ, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, आओ आओ मुन्ना आओ। द ऑडिटर शाल, यहां से हमारा मैंने पिछले क्लास में छोड़ दिया था यहां से, है ना, अब मैं यहां से इसके आगे पढ़ा रहा हूं आपको। द ऑडिटर शाल, शाल बोल दिया मतलब क्या, जरूरी ऑडिटर को इंडिकेट द रीजंस एंड द अदर फैक्ट्स एज मे बी रिलेवेंट विद रिगार्ड टू द रेजिग्नेशन, मतलब क्या उसने आखिर ऑडिटर को देना ही पड़ेगा, क्या उसके ऊपर हमने ऑप्शन डाला क्या, हुआ तो मन हुआ तो दे देना, मन हुआ तो मत दे देना, हमने ऐसा नहीं कहा, हमने कहा कि ऑडिटर शाल ऑडिटर को देना ही है मेरे दोस्तों। ऑडिटर शाल इंडिकेट क्या क्या, reasons and other facts that may be relevant कि उसने resignation क्यों किया, तो उसको देना ही पड़ेगा। अब अगर वो ये सब चीजें ऊपर की दिए वाली चीजें मतलब ADT 3 फाइल नहीं करता है और वो सब चीजें नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी अट्रैक्ट होंगी। चलिए पेनल्टी को डिस्कस करते हैं। अब आप लोग मुझे पूछोगे सर पेनल्टी को याद रखना है क्या, बच्चों देखो क्या है, कंपनीज एक्ट में बहुत सारी पेनल्टीज है, हर थोड़े सेक्शन में पेनल्टी आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे एक बात बताओ आप लोग कितनी पेनल्टी याद रखोगे, बट ठीक है मैं वैसे रिविजन में आपको करवाते रहूंगा, अगर आपको एग्जाम तक याद रह जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप पूछोगे सर पेनल्टी पूछते क्या एग्जाम में, तो पूछते हैं एमसीक्यू में तो पूछते हैं पेनल्टी, मेरे को पता है जब मैंने अपने सीए फाइनल के पेपर दिया था तो वहां पे पेनल्टी लॉ में तो इतनी पेनल्टीज, लॉ में से 30 मार्क के पेपर में 10 मार्क की तो सिर्फ पेनल्टीज पूछे थे हमें, वो भी सीए फाइनल लेवल पे। आप सोचो वहां पे तो हर एक एक्ट में पेनल्टी दी है, हर वो एक्ट के भी कितने सारे सेक्शंस में पेनल्टी, याद ही नहीं रहता था। लेकिन क्या कर सकते, इंस्टीट्यूट है, उन्होंने अगर मटेरियल दिया है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको रिवाइज तो करवाऊंगा हर चीज, लेकिन आप ऐसा एकदम प्रेशर मत दे देना खुद पे कि नहीं मेरे को लर्नज करना है करके, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चल जाता है, कम ऑन। इन केस ऑफ फेलियर, अगर ऑडिटर फेल हो जाता है तो ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी लायबल होगा कितने के लिए, देखो ध्यान से, 50,000, क्या बोल दिया मैंने मेरे दोस्तों, 50,000 और रेम्यूनरेशन, और रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, 50,000 और रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, वहीं पे साइड में लिख दो ना, वो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन यही चीज पढ़ के खत्म कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ एंड बोला है, इसके साथ साथ मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, एंड अगर आप 30 दिनों के अंदर अंदर, अगर आप 30 दिनों के अंदर अंदर नहीं करते हो फाइल एडीटी 3, तो 31st डे से आपको क्या लगने वाला है, 500 पर डे आपको लगने वाला है इनके, जो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 लाख हो सकता है। समझ गया क्या मेरे दोस्तों, आ जाओ देखो क्या बोल दिया, अगर आप ADT 3 फाइल नहीं करते हो कंपनी को या रजिस्ट्रार को, तो ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर हम आप पे फाइन लगाएंगे। अगर हम फाइन कितना लगाएंगे, 50,000 या रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, अगर आपका रेम्यूनरेशन है 2,000 रुपए तो आपको देना पड़ेगा 50,000, क्योंकि सॉरी अगर आपका रेम्यूनरेशन है 2,000 रुपए तो आपको देना पड़ेगा 2,000 रुपए, अगर आपका रेम्यूनरेशन है 2,00,000 रुपए तो आपको कितना देना पड़ेगा, केवल 50,000 देना पड़ेगा मेरे दोस्तों, केवल कितना देना पड़ेगा, 50,000 ही देना पड़ेगा। वैसे सिचुएशन मतलब क्या, 50,000 इज मैक्सिमम लिमिट, 50,000 के ऊपर आपको एक भी रुपया नहीं देना है, ऐसा मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, मैक्सिमम लिमिट 50,000 है, क्योंकि 50,000 और रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस बोला गया है, अगर रेम्यूनरेशन 50,000 से नीचे है तो रेम्यूनरेशन दे दो, लेकिन अगर रेम्यूनरेशन 50,000 से ऊपर है तो आपको 50,000 देना होगा। और क्या बोला मैंने, ध्यान दो, अब ये चीज क्या होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया, ठीक है, उसके जो 30 दिन है वो यहाँ पे कंप्लीट हुए, ठीक है, उसने ADT 3 फाइल किया रेजिग्नेशन से 36th डे पे, मतलब क्या इसको क्या लगने वाली है, ये 6 दिन की इंटू 500 रुपये, मतलब ही उसको कितना 3,000 रुपए की ये वाली पेनल्टी लगेंगी और ऊपर की वो पेनल्टी एज इट इज सबट्रैक्ट हो जाएंगी। मतलब आपको क्या 30th डे के एंड होने के बाद से 1st डे काउंट करेंगे और उसको जब तक पे किया है तब तक हम लोग उसको इसमें ले लेंगे। आपको होप सो ये डायग्राम से समझ गया होगा एक ही बार में। तो अगर मान लीजिए वो 46th डे में देता तो कितना 16 × 500 कर देते हम लोग, समझा क्या आपको, बहुत बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ये सब चीजें, ठीक है। कमऑन आप लोग है ना ये लिख के रख लो और इसको ऐसे काट देना, इसको है ना ऐसे काट देना, इसका कोई काम नहीं रह गया, आप बढ़िया इसको इस तरीके से लिख के रख दो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे बच्चों आ जाओ, अच्छे बच्चों आप लोग आओ, वो देख लेना नीचे का, है ना। चलो इसको बढ़िया तरीके से कॉपी कर लो, मस्त जम जाएगा अपना काम। इसके बाद मैं आपको दूसरे प्रोविजन लेके जाता हूं। सॉरी 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 सॉरी, ये लो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो फटाफट, कॉपी कर लो मेरे दोस्तों। कहाँ गया रे, हो गया क्या आपका? आई होप सो आपका हो गया होगा मेरे दोस्तों, है ना, हुआ क्या? चलो आओ आ जाओ, देखो ये वाली जो चीज थी मैं आपको ये थोड़ी देर बाद करवाता हूं, मैं आपको रिविजिट कराऊंगा इस पे, मैंने लेटर मैं लिख के रख रहा हूं, आप लोग लेटर मत लिखना क्योंकि आप मिटा नहीं पाऊंगे, मैं मिटा पाऊंगा इसको, ठीक है। तो मैं इसको लिख के रख देता हूं ताकि क्या हम लोग भूले नहीं, गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज छोड़ के नहीं जाना है, 100% हर चीज पढ़ के जाना है हमको। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा चैप्टर 9 बहुत टफ है तो मैं छोड़ देता हूं, या चैप्टर 9 बहुत लेंदी है, एग्जाम में कम पूछा जाता है, 90 पेज का है, 1000 पेज का, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मैं आपको 100% कोर्स कराऊंगा, 100% रिविजन करवाऊंगा, हर चीज 100% होंगी हमारे क्लास में, इतनी बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं आपको रोटेशन ऑफ ऑडिटर का एक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। आपको जो मैंने ऊपर बताया था ना कि फर्स्ट ईयर से, देखो यहां पे मैंने आपको बताया था ना एक, हाँ ये वाला हमने अभी पीछे डिस्कस नहीं किया था क्या, ये वाली चीज में, ये वाली चीज में हमने यहां पे जो डिस्कस किया था ना, ये वाला कि 6th AGM से लेके 6th AGM तक उसको अपॉइंट करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर को, तो बस वो वाली चीज भी हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट आपको ध्यान में आ जाएगा करके, ठीक है। आ जाओ अभी अभी के लिए आ जाओ आप यहाँ पे, आओ देखो रोटेशन ऑफ ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर में ये वाली चीज चालू करने जा रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा नीचे आ जाना, एज पर सेक्शन 139(2) किसकी बात कर रहा हूं मैं, एज पर सेक्शन 139(2) की बात कर रहा हूं, जो क्या बोलता है, नो लिस्टेड कंपनी, क्या बोल दिया ध्यान से सुनो, नो लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मेंशन्ड अबव, एज मेंशन्ड अबव मतलब वो यहां पे जो कंपनीज का बोला गया है ना उसकी बात कर रहा है वो, ठीक है। देखो फिर से, नो लिस्टेड कंपनी मतलब क्या, कोई भी लिस्टेड कंपनी या ऐसी क्लासेस ऑफ कंपनी ये नीचे दिए जाने वाली हरकत नहीं करेंगी, क्या पहली हरकत देखो, मेंशन अबव शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट, आपको अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं करना है किसको, देखो चार्टर हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर को केवल दो, इससे हमने 141 में ही देखा था, 141 के एलिजिबिलिटी में, हो सकता है वो इंडिविजुअल हो सकता है वो फॉर्म हो, बस वही तो चीज यहाँ पे आई है। देखो शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट इंडिविजुअल एज ऑडिटर फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 consecutive years, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट समझाया था मेरे दोस्तों कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, 5 साल के ग्रुप को, 5 साल के ईयर्स को एक टर्म बोला जाता है, 5 साल के ग्रुप को एक टर्म बोला जाता है, 5 साल के ईयर को एक टर्म बोला जाता है, 5 साल के ईयर को एक टर्म बोला जाता है, ठीक है। चलो देखो मतलब ये क्या, ध्यान दो अच्छे से, इसका चार्ट बनाऊंगा, इतना मजेदार चार्ट बनाऊंगा, आपको ऐसा कंसेप्ट सीधा फाड़ के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान दो, देखो 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 बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, ए ए ए इधर देखो, ए इधर आ जाओ,
क्या बोला कि कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी, फिर से एक और बार, कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी रीटेक, कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी या ऐसी क्लास ऑफ कंपनी नीचे दिए जाने वाली दो हरकतें नहीं कर सकती। क्या? अगर आप इंडिविजुअल को अपॉइंट करते हो तो आप वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स से ज्यादा अपॉइंट नहीं कर सकते, और अगर आप फर्म को अपॉइंट करते हो तो आप 2 टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मतलब टोटल 10 ईयर्स, 2 × 5 कितना होता है, 10 साल होता है ना बच्चों, 2 × 5 10 ईयर्स से ऊपर आप उनको नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड दैट वो आगे की बात है, मतलब उसका एक्सटेंशन के लिए हम लोग प्रोवाइडेड दैट यूज करते हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखो। अभी एक बार हम लोग देखते हैं क्लास ऑफ कंपनी क्या, मतलब लिस्टेड कंपनी तो एक लिस्टेड कंपनी तो कर ही नहीं सकती, लेकिन क्लासेस ऑफ कंपनी में क्या क्या होता है हम लोग वो देखते हैं पहले। आ जाओ, क्लासेस ऑफ कंपनी शान मीन द फॉलोइंग केसेस ऑफ द कंपनीज एक्सक्लूडिंग वन पर्सन एंड स्मॉल कंपनी। वन पर्सन एंड स्मॉल कंपनी कभी आएंगे नहीं, तो ध्यान रख लेना, मतलब वन पर्सन या स्मॉल कंपनी है तो ऐसे सिचुएशन में आप मुझे एक बात बताओ, आप क्या इंडिविजुअल को 8 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो? क्या कर सकते हो? कोई बात नहीं है, ठीक है, चलो वो सब चीजें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने ही वाला हूँ, लेकिन पहले मैं कंसेप्ट पे आ जाता हूँ, कौन सा क्लासेस ऑफ कंपनीज में क्या क्या आएगा। पहला, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर। क्या बोला? पेड अप शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर किसके लिए? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए। दूसरा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेबल होगा। 50 करोड़ या नीचे होगा तो, 50 करोड़ से नीचे होगा तो एप्लीकेबल होगा क्या? रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट नहीं होगा। तीसरी बात, कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब ये दोनों को छोड़ के भी अगर कोई कंपनीज है जिसकी बोरोइंग्स अगर 50 करोड़ से ऊपर जाती है तो उनको भी रोटेशन ऑफ कंसेप्ट ऑडिटर अप्लाई हो जाएगा। बेसिकली मैं आपको पूरी चीज बताऊँ क्या क्या है। रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल नीचे दिए जाने वाली पर्टिकुलर कंपनीज में ऑडिटर अपॉइंट होता है तो वो मैक्सिमम 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है। इंडिविजुअल की मैंने बात किया अभी, अगर कोई फर्म है तो वो मैक्सिमम 10 साल के लिए ऑडिट रह सकता है, उसके बाद उसको रोटेट करना होगा, उसके बाद वो जगह को रोटेट करना होगा, फिर से उसके बाद वो जगह को रोटेट करना होगा हमको, और हम उस पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। वेरी सिंपल, कम ऑन गाइस, मैं यहां पे आपके लिए चार्ट बनाना चालू कर रहा हूं। आपको करना है क्या? आपको कुछ नहीं करना, आपको आपके केवल नोट्स में अभी देखते रहिए क्या कराना है। मैं आपको टाइम दूंगा, पिछले बार दिया था ना टाइम आपको छापने के लिए, बराबर वैसे ही अभी भी मौका दूंगा आपको मैं, ठीक है। चलो आ जाओ, ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, ठीक है। आ जाओ, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर मतलब क्या? ऑडिटर के कुर्सी को घुमाना, ऑडिटर एक ऑडिटर के जगह दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करना, मतलब पहले ऑडिटर को बोलना कि अब हम आपको अपॉइंट नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन मतलब बेसिकली ये कंसेप्ट का है कि आपको एक नीचे दिए जाने वाले कंपनीज पे आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग फिर से ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते। कितने बार वो उन्होंने बताया, चलो मैं आपको बताता हूँ। पहले देखो, पहले पहली बात तो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल ऑन कंपनीज, ठीक है, लिस्टेड कंपनी। क्या बोला मैंने? एप्लीकेबल होगा रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट किसके ऊपर? लिस्टेड कंपनी के ऊपर। दूसरा, कौन से ऊपर? लिस्टेड के अलावा क्लासेस ऑफ कंपनी बोला गया है, या मैं इसको बोल दूं क्या, अनलिस्टेड कंपनी, अगर एक लिस्टेड है तो दूसरी अनलिस्टेड होंगी। देखो, एक प्रकार से प्राइवेट कंपनी भी अनलिस्टेड कंपनी होती है ना, लिस्टेड कंपनी को उनको लेना ही है, लिस्टेड कंपनी तो ऑलवेज ऑलवेज आने ही वाली है, लेकिन हम अब जो बात करने जाने वाले वो किसकी बात कर रहे हैं? अनलिस्टेड कंपनी की। अनलिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी मेरे दोस्तों, आ जाओ, अनलिस्टेड कंपनी में क्या? अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल कितना बोला गया है? अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करोड़, मेरे बच्चों
देखो यहाँ पे लिखा है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ और मोर, मतलब 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा तो वहां पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद प्राइवेट कंपनी पे जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है मेरे दोस्तों, 50 करोड़। और उसके बाद किसके ऊपर आएगा ये, अदर कंपनीज, अदर कंपनीज जो कहीं पे भी कवर नहीं हुई, अदर कंपनीज जो कहीं पे भी कवर नहीं हुई, जहाँ पे बोरोइंग, क्या बोला, बोरोइंग इज ग्रेटर देन 50 करोड़। एक बात ध्यान में रख लो मेरे बच्चों, यहाँ पे 50 करोड़ इज ग्रेटर देन, अगर इक्वल टू हो गया तो एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान से सुनो, अगर इक्वल टू हो गया तो एप्लीकेबल नहीं होगा, कान में भर लेना। हो सकता है आपको एमसीक्यू पूछा जाए इसके ऊपर, ये परफेक्ट एमसीक्यू को देखो, यहाँ पे क्या बोला है, डिपॉजिट्स ऑफ कहा गया, ऑफ पब्लिक कंपनी, अरे किधर गया, हाँ ऑफ, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, वो एक्चुअली इसमें है अपने, क्या बोलते हैं, और मोर, और मोर, वो ऑडिट कमेटी करके एक 177 का प्रोविजन आता है, उसमें है वो चीज़ ग्रेटर देन वाले, ठीक है। तो ध्यान रखना तीनों में इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन है, पक्के से एकदम अच्छे से माइंड में बैठा लियो मेरे दोस्तों। आ जाओ देखो, मैं आपको फिर से रिपीट करा रहा हूँ, फिर से देखो, रोटेशन मतलब घूमना, क्या रोटेशन मतलब क्या, घूमना। ऑडिटर को हम लोग घुमाएंगे, ऑडिटर को क्या बोला हमने, ऑडिटर घूमेगा, ऑडिटर घूमेगा, ऑडिटर किसके साथ घूमेगा, अपन लोग बनने वाले हैं ऑडिटर भैया, ध्यान रखो, अपन घूमेंगे किसके साथ, ऐसी ऐसी कोई जो लिस्टेड हो, क्या बोला मैंने, ऐसी कोई जो लिस्टेड हो, लिस्टेड हो मतलब बहुत ही सुपर रिच, मतलब क्या बोलना, लिस्टेड हो मतलब सारे लोगों का ट्रस्ट है इसमें, तो हम लोग बोलेंगे ये एक नंबर, बहुत ही प्यारी है ये, हम लोग इसके साथ घूमेंगे करके। दूसरा, अगर कोई अनलिस्टेड है तो हम उसके साथ भी घूम लेंगे, अनलिस्टेड है, और अगर वो पब्लिक है, पब्लिक है तो मतलब हम लोग बोले पब्लिक इन द सेंस बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है उसके अंदर, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो 10 करोड़ से ऊपर होता है, उसके 10 करोड़ से ऊपर की अगर उसके पास जमा पूंजी है, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल उसके पास 10 करोड़ से ज्यादा है, तो हम लोग उसके साथ भी घूम लेंगे। लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके पास क्या होना चाहिए, 50 करोड़ होना चाहिए, उसके पास अगर जमा पूंजी 50 करोड़ होगा तो ही हम लोग उसके साथ घूमेंगे। अगर कोई इन सब के अलावा भी अगर कोई कंपनी हमारे साथ घूमने के लिए बोरोइंग्स लेती है 50 करोड़ या उससे ज्यादा, तो हम लोग उसके साथ भी घूमने के लिए रेडी हो जाएंगे। देखो मैंने कितने अच्छे से आपको समझा दिया किस किस के ऊपर रोटेशन एप्लीकेबल होगा। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का मतलब क्या, एक ऑडिटर को अब हटा के दूसरे ऑडिटर को लाना, यहां पे बोला गया है एप्लीकेबल होगा कौन से कंपनीज को, लिस्टेड, क्योंकि ये तो मतलब माशाल्लाह के कंपनी है। दूसरी, अनलिस्टेड भी हम लोग अनलिस्टेड के साथ भी घूमेंगे, कब, अगर कोई पब्लिक अनलिस्टेड है तो हम लोग बोलेंगे कि अगर उसका पास पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ का चल जाएगा, प्राइवेट है तो 50 करोड़ मांगता है भैया हमको, और कोई हमारे साथ घूमने के लिए अगर बोरोइंग ले रहा है 50 करोड़ से ऊपर की या 50 करोड़ की, तो हम लोग बोलेंगे उसके साथ भी हम लोग घूम लेंगे। इन सब पे रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा, बेसिकली मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपको समझ गया क्या, ऑल गुड, एकदम आराम से, आराम से सुनो, आराम से इसको पढ़ो, पढ़ो आप आराम से पढ़ो, बिल्कुल इसको पढ़ो और इसको भी पढ़ो, यहाँ पे वो तो बाद में बनाना, आप इसको पढ़ो पहले, ठीक है। देखो सिर्फ इतना पढ़ो अभी, किस किस पे एप्लीकेबल हो रहा है ये चीज, और उसके बाद ये यहाँ पे जाके पढ़ना, ठीक है, पढ़ो आप फट से। आपको मैंने नोटबुक दिया हूँ ना, सॉरी अपना अपना टेक्स्ट बुक और ई नोट्स, टेक्स्ट बुक होगा या ई नोट्स होगा आपके पास, पढ़ो बिल्कुल अच्छे से, पढ़ो शांतिपूर्वक पढ़ो बिल्कुल, फिर मैं समझाता हूँ क्या। आप पढ़ते रहो अपना, आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि बहुत स्पीड में हो रहा है तो एक काम करना ना, रोक देना लेक्चर, अच्छे से पढ़ लेना उसको और फिर आगे बढ़ना, है ना, कोई प्रॉब्लम, ये तो क्या है, आप मेरे को पीछे ले जाओ, सामने ले जाओ, जो करना है करो, आपके ऊपर है भैया। तो बढ़िया आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लाइट माइंड से पढ़ो, ये कोरोना वोरोना के टेंशन हटाओ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वैसे भी आप क्वारंटाइन में रहने वाले हो नवंबर तक, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, चलो आ जाओ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो मेरे दोस्तों।
पढ़ लिया आपने, एप्लीकेबिलिटी पढ़ लिया होगा ना आप लोगों ने, आ जाओ किस किस पे एप्लीकेबल हो रहा है क्या वो हमने देख लिया, अब क्या चीज के लिए एप्लीकेबल हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। अगर ये सारी कंपनीज क्या नहीं कर सकती, ये सारी कंपनीज क्या नहीं कर सकती वो देखते हैं हम लोग। ये सारी कंपनीज क्या नहीं कर सकती, अगर कोई इंडिविजुअल ऑडिटर है कैन अपॉइंट फॉर है वो मैक्सिमम वन टर्म इंडिविजुअल है, मैक्सिमम वन टर्म, क्या बोला मैंने, इंडिविजुअल है मैक्सिमम वन टर्म। वन टर्म मतलब क्या, वन टर्म मतलब 5 years, क्या बोला मैंने, वन टर्म मतलब 5 years। उसके बाद कैन अपॉइंट फर्म एज ऑडिटर, कैन अपॉइंट फर्म एज ऑडिटर फॉर कितना, फॉर मैक्सिमम 2 term, फर्म है तो कितना 2 term। चले आगे बढ़े मेरे दोस्तों, 2 term मतलब यहां पे हो जाता है 10 years। मतलब ही क्या, ये अगर सारी कंपनीज आती है, अगर ये कंपनीज आती है तो ये कोई भी इंडिविजुअल को एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है मैक्सिमम 5 साल के लिए, 1 साल के लिए भी कर सकती, 2 साल के लिए भी कर सकती, 3 के लिए भी कर सकती, 4 के लिए भी कर सकती और 5 के लिए कर सकती, लेकिन 6 के लिए नहीं कर सकती मेरे दोस्तों। और उसके बाद अगर कोई फर्म है तो 1 से लेकर 10 साल तक के रेंज में वो कर सकती है, लेकिन 10 साल के ऊपर नहीं कर सकती, ये उसका कहना है। चलो पढ़ लेते इसको, कैन अपॉइंट एन इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर फॉर मोर देन, देखो नो लिस्टेड कंपनी एंड कंपनी शाल अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 consecutive years, फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 consecutive years, कैनॉट अपॉइंट और फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 consecutive years। मतलब है क्या, यहाँ पे इंडिविजुअल है तो 5 साल के ऊपर नहीं होगा, उसका 1 term बोलता है। अगर कोई ऑडिटर फॉर्म है तो 2 terms के ऊपर हम लोग उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। अब उसके आगे क्या बोला गया है, ध्यान से आ जाओ, ध्यान से बिल्कुल। An individual auditor who has completed the term under clause A, मतलब 5 साल के बाद अगर वो 5 साल का complete कर लेता है, अगर एक auditor appoint हुआ है और वो 5 साल का audit कर लेता है वो company का, तो क्या, shall not be eligible for appointment as an auditor in the same company for 5 years from the completion of his term। हो गया। दूसरा, ध्यान देना, एन ऑडिट फर्म विच हैज कंप्लीटेड इट्स टर्म अंडर क्लॉज बी क्या बोलता है, अगर फर्म है तो 10 साल के लिए, अगर वो 10 साल का कंप्लीट कर लेता है, शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एंड ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। मतलब देखो यहां पे भी क्या 5 साल, यहां पे भी क्या 5 साल, बेसिकली ये जो बोला गया है ना कि अगर आप कोई कंपनी में, जो ऊपर लिस्टेड कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी के अंदर अगर कोई कंपनी जाती है तो उसमें अगर आप ऑडिटर हो, अगर मैं इंडिविजुअल हूं और मैं 5 साल के लिए हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर मैं इंडिविजुअल हूं और मैं 5 साल के लिए वहां पे ऑडिट कर चुका हूं, तो अगले 5 सालों तक मैं उस कंपनी में एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या बोले, अगर कोई फर्म है और वो 10 साल तक का मैक्सिमम समय दिया और आप 10 साल तक मैक्सिमम उस कंपनी में ऑडिट करते हो, तो आप अगले 5 सालों तक वो पर्टिकुलर फर्म उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, अभी कुछ आप लिखेंगे नहीं, मैं ही लिखाऊंगा आपको, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपसे बराबर सही समय आने पर सब कुछ लिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, ध्यान दो। चलो आओ,
या तो ये है मिस्टर मिस्टर यश, क्या बोला मैंने, मिस्टर यश, यश नाम के तो यार ठोक में रहते हैं बिल्कुल नाम, है ना। चलो ये है मिस्टर यश, ये है ना, ये है ना एक कंपनी के ऑडिटर हैं, जिसका नाम है आईजी पानीपुरी लिमिटेड। क्या बोला मैंने, आईजी पानीपुरी लिमिटेड है फॉर्च्यून 500 में 81st रैंक है हमारा, 81st रैंक है फॉर्च्यून 500 में हमारा, ठीक है। इतनी भारी एकदम, तो बहुत ही भारी, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, एकदम देश में, पूरे देश में बोला, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हमारी पानीपुरी चलती है, बाकी किसी की नहीं चलती, ठीक है। ये ऑडिटर है, क्या बोला मैंने, ये कौन है, ऑडिटर है, ये ऑडिटर है इस कंपनी के। ये पहला साल था कंपनी के, यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट हुए, ठीक है, मतलब फर्स्ट एजीएम में ये ऑडिटर अपॉइंट हुए। टोटल मैंने ये इनको हमने, ये इंडिविजुअल है ना, हम लोग जो केस ले रहे हैं ना अभी, इंडिविजुअल का केस ले रहे हैं, ठीक है। चलो ये भी लिखा देता हूँ आपको, इंडिविजुअल है तो हम लोग उसका केस ले रहे हैं अभी। तो इनको हमने अपॉइंट किया फर्स्ट एजीएम पे, तो टोटल 6 सालों के टिल 6th AGM, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी एजीएम, तीसरी एजीएम, चौथी एजीएम, पांचवी एजीएम और छठवी एजीएम, तो छठवी एजीएम तक टोटल 5 साल होते हैं, क्योंकि जिसमें अपॉइंट किया उसको फर्स्ट गिना जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में 5 साल के लिए ये अपॉइंट हो गए यहाँ पे, ऑल गुड, पक्का, बिल्कुल, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, अब ऑलवेज ध्यान रखना, अब क्या होगा, यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ ना मेरे दोस्तों, वो यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये पर्सन को हम अपॉइंट नहीं कर सकते, मिस्टर यश को, मिस्टर यश को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ध्यान रखियो मेरे दोस्तों, मिस्टर यश अगर कोई है, मिस्टर यश जो है ना यहाँ पे, मिस्टर यश को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, मिस्टर यश को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, मिस्टर यश को क्या बोलेंगे कि अब आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो, अब आप अपॉइंट नहीं हो सकते हो मिस्टर यश, अब आप नहीं हो सकते अपॉइंट, हमने क्लियर कट बोल दिया मिस्टर यश को, सिंपल और कुछ भी नहीं। अब यश पूछता है सर हम कितने साल के लिए अपॉइंट नहीं हो सकते, तो हम बोलते 5 सालों तक, मतलब ही क्या, यहां से देखो 1 2 3 4 5, ये 5 सालों तक मिस्टर यश अपॉइंट नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसके बाद चालू हो जाएगा तो मिस्टर यश यहाँ पे अपॉइंट किए जा सकते हैं, बिल्कुल अच्छी अच्छी तरीके से, बिल्कुल मिस्टर यश यहाँ पे अपॉइंट किए जा सकते हैं, मिस्टर यश यहाँ पे बन सकते हैं हमारे ऑडिटर, मिस्टर यश यहाँ पे बन सकते हैं हमारे ऑडिटर, ठीक है। समझा, ये हुआ कौन से केस में मेरे बच्चों, इंडिविजुअल का केस हुआ। चलो अब आपका फॉर्म का केस भी आपको बता ही देता हूँ, फॉर्म के किस में बहुत सारे झोल झपटे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ठीक है। चलो आ जाओ, एक फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म है, यहां पे ए, यहां पे है बी और यहां पे है सी, ए बी सी, ए बी सी कि ये फर्म है, और ये फर्म जो है ये करते हैं ऑडिटर, ये है ऑडिटर बेसिकली किसका, रिलायंस का, रिलायंस का ही नाम क्यों आता है यार बार बार पता नहीं, इन्फोसिस ले लेते हैं इस बार, इन्फोसिस का, ठीक है, ये ऑडिटर है। अब क्या हुआ, फर्स्ट एजीएम में ये लोग अपॉइंट हुए, तो टिल इलेवेंथ एजीएम, देखो यहाँ पे फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुए तो टिल इलेवेंथ एजीएम ये लोग अपॉइंटेड रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 10 साल का, हमने इनको 10 साल के अपॉइंट किया, हम इनको 4 साल के लिए भी कर सकते हैं, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 11th AGM तक हमने इनको करके रखा, यहाँ तक ही अपॉइंटेड, येलो लाइन आई मतलब अपॉइंटेड है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे आएंगी बारी अपॉइंटमेंट करने की, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो फर्म है ना, जो फर्म है एबीसी की, वो एलिजिबल नहीं रहेंगी, वो एलिजिबल नहीं रहेंगी, हमको कोई दूसरे पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, कोई दूसरा पर्सन आएगा यहाँ पे, कोई नेक्स्ट, मान लीजिए फर्म
एक्स वाई जेड आएगा जो हम अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब ही क्या, हम यहाँ पे एक्स वाई जेड को हमको अपॉइंट करना होगा कितने, मैक्सिमम 10 सालों तक हम फॉर्म को अपॉइंट कर सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन जैसे देखो, अब इसका टर्म जो एक्स वाई जेड का है ना, वो यहाँ से चालू हो जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा चालू हो गया वो, ठीक है, यहाँ 5 साल खत्म हुए हैं या 10 साल खत्म होने वाले एक्स वाई जेड के। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो एबीसी है ना, एबीसी के लिए यहाँ पे यहाँ से एलिजिबिलिटी चालू हो जाएंगी। मतलब क्या, 5 साल जैसे ही खत्म हो जाते हैं एक्स वाई जेड के, या 5 साल जैसे ही खत्म हो जाते हैं एबीसी को, वो कंपनी को छोड़ के एज अ ऑडिटर, तो वो हो जाता है यहाँ पे एलिजिबल। तो हम लोग बोलेंगे आप हो जाओगे एलिजिबल, आप हो जाओगे एलिजिबल एबीसी, यहाँ पे होंगी एलिजिबल करके, ध्यान रख लियो मेरे दोस्तों। समझा क्या, फिर से रिपीट करना चाहिए मैंने, बिल्कुल करना चाहिए। देखो एक फॉर्म है, क्या बोला मैंने, बहुत सिंपल बता रहा हूँ आपको, एक फॉर्म है, ए है, बी है, सी है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल शांति से सुनो, कोई गाही नहीं है। मिस्टर ए है, बी है और सी है, ये ऑडिटर है इन्फोसिस के। इन्फोसिस ने फर्स्ट एजीएम में इनको अपॉइंट किया, तो टिल 11th एजीएम मैंने आपको बताया ये अपॉइंटेड रह सकते हैं टोटल 10 सालों के लिए, 2 टर्म्स के लिए मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद ये हो जाते हैं क्या, उसके बाद ये हो जाता है डिसेबल, मतलब इनको वो ये अट्रैक्ट कर जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, ये डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे बेसिकली अब अपॉइंटमेंट होने से, क्योंकि रोटेशन ऑफ ऑडिटर में हमने देखा है कि एक कोई भी लिस्टेड, इंफोसिस लिस्टेड कंपनी है, तो कोई भी लिस्टेड कंपनी किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकती 2 टर्म से ज़्यादा अगर वो फर्म है तो। तो यहाँ पे हो जाएंगे वो क्या, यहाँ पे हो जाएंगे वो डिस्क्वालिफाइड फॉर बींग अपॉइंटेड एज अ मेंबर करके, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन आप वो कन्फ्यूज मत करना, 141 मत लाना माइंड में, अब इसे 139(2) का कांसेप्ट सुनो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, फर्म एक्स वाई जेड को फिर हमने अपॉइंट किया, एक्स वाई जेड को हमने मान लीजिए 10 साल के लिए अपॉइंट किया, तो 0 मतलब ये एक्स वाई जेड 0 किसके लिए है, ये एक्स वाई जेड के लिए यहां पे, ठीक है। तो वहां से लेके 10 साल, तो जो पांचवा साल है, जो पांचवा साल है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, जो पांचवा साल है ना मेरे दोस्तों, पांचवा साल के बाद यहां पे एलिजिबल हो जाएगा एबीसी। यहां तक एक्स वाई ये फर्म इनएलिजिबल रहेगा, एबीसी यहां पे इनएलिजिबल रहेगा, लेकिन 5 साल के बाद वो फिर से फर्म बन सकता है, किसका, इंफोसिस का, फिर से वो ऑडिटर बन सकता है। बस मेरा इतना कहना था और कुछ कहना नहीं था मेरा, ठीक है, समझ गया आपको, बोलो, अरे बोलो तो, समझा क्या, मैं आपको मौका देता हूँ, पढ़ना है आपको, पढ़ो ना, किसने रोका है, पर रुक जाओ, ये देखो बस इसको पढ़ लीजिए, ये 2 पॉइंट को पढ़ लीजिए फटाक से, बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल सट से पढ़ लीजिए आप, बिल्कुल, फिर मैं आपको दूसरा, मेरे को अच्छा अमेजिंग वाली चीजें करवाना है आपसे आज। हो गया क्या बच्चों, पढ़ लिया आप लोगों ने, चलो आ जाओ, हो गया, आ जाओ मेरे दोस्तों, आओ। द फॉलोइंग मेरिट पॉइंट्स कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड। चलो पहला पॉइंट अपन नोट लेना चालू करते हैं। As on the date of appointment, no audit firm having common partner or partners to the other audit firm whose tenure has expired in the company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of the same company for the period of 5 years. करके मैं इसको आराम से आपको समझाता हूँ, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना इसको, जान दो, आ जाओ यहाँ पे आप लोग, है ना, केस टू लेते हैं मेरे दोस्तों, केस टू। पर जो केस टू रहेगा ये केस वन से लिंक्ड रहेगा, ये जो केस वन है ना इससे लिंक्ड रहने वाली है ये चीज। केस टू में देखो क्या बोल रहा है, फर्म एबीसी को एज इट इज मैं नीचे लाता हूँ, आपको फिर से बनाना पड़ेगा जब मैं आपको टाइम दूंगा।
हो गए फॉर्म एबीसी. ऑल गुड. चलो ये क्या है, ऑडिटर है, किसके है, इंफोसिस के है, ठीक है. ये हुआ. अब क्या होता है, ध्यान रखो, फर्स्ट इस पे इनको अपॉइंट किया था, इलेवेंथ पे क्या हुआ, यहां पे इलेवेंथ पे इनको डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाता है. हमको पता है ये सब चीजें, हमको पता है यहां तक वो एलिजिबल रहते हैं, एबीसी फर्म एबीसी यहां तक एलिजिबल रहती है. अब इलेवेंथ में है ना, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम है ना फर्म, हम कोई दूसरे फर्म को अपॉइंट करेंगे, हम है ना कोई दूसरे फर्म को अपॉइंट करेंगे, बढ़िया एक नंबर दूसरे फर्म को अपॉइंट करेंगे, ये दूसरी फर्म वन, हम यहां पे ना फॉर्म टू को अप्लाई करेंगे. फॉर्म टू मतलब है कि फॉर्म को अपॉइंट करेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां पे उसके 10 साल हो चुके हैं और अब वो एज पर सेक्शन 139(2) जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर की बात करता है उसके साथ ही वो हो जाता है कि अब हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते बेसिकली फॉर्म को. इसलिए ये फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो पार्टनर्स कौन कौन होते हैं मैं आपको बताऊं. देखो आओ मैं आपको पार्टनर्स बताता हूं. ये होता है एक्स, ये होता है वाई, और जो तीसरा होता है ना मेरे दोस्तों, वो होता है सी. मतलब ही क्या, सी आपको लगता नहीं क्या, जो सी है वो सही में उसने एकदम सी वाली हरकतें की है. सी ने क्या किया कि फॉर्म वन में भी है और फॉर्म टू में भी है. सी जो है वो फॉर्म वन में भी है, फॉर्म टू में भी है, फॉर्म वन में भी है, फॉर्म टू भी है. मतलब ही क्या, वो कॉमन पार्टनर नहीं हुआ क्या, वो कॉमन पार्टनर है फॉर्म वन के बीच में और फॉर्म टू के बीच में, वो कॉमन पार्टनर है मेरे दोस्तों. हाँ तो सेक्शन 139(2) क्या बोलता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ध्यान से सुन लियो. फॉर्म वन, जो फॉर्म वन है ना, फॉर्म वन है ये तो डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब रेड मार्क मैं कर रहा हूं यहां पे, ये तो इनएलिजिबल होने ही वाली है. क्या बोल दिया मैंने, फॉर्म वन जो है ये तो इनएलिजिबल होने ही वाली है. फॉर्म वन तो इनएलिजिबल होने ही वाली है, लेकिन साथ ही साथ सिंस सी कॉमन पार्टनर है फॉर्म टू में भी, तो फॉर्म टू भी इनएलिजिबल हो जाएंगी टू अपॉइंट एज एन ऑडिटर. मतलब ही क्या, अगर कोई ऐसी फर्म है जहां पे कॉमन पार्टनर है और तो कॉमन पार्टनर है तो, और अगर वो जो कॉमन पार्टनर वाला है ना, अगर वो कॉमन पार्टनर की कोई एक फर्म है जो 10 साल कंप्लीट करके वो कंपनी से अब छोड़ने वाली है, जो वैकेंसी क्रिएट करने वाली है, तो वहां पे वो अगर कोई दूसरे फर्म में भी मौजूद होता है तो वो फर्म को भी डिस्क्वालिफिकेशन, जो 5 साल जो हम बोले ना 5 साल 5 ईयर्स इसको बेसिकली कूलिंग पीरियड बोलते हैं, तो 5 ईयर्स की चीज इसको फर्म 2 को भी अट्रैक्ट हो जाएंगी. ये मैंने बोल दिया आपको. चलो आ जाओ एक बार पढ़ लेता हूं तो आपको मजा आएगा. एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, नो ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स टू द अदर ऑडिट फर्म. क्या बोला, कोई भी ऐसी ऑडिट फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर या पार्टनर्स टू अदर ऑडिट फर्म, हैविंग कॉमन पार्टनर्स या पार्टनर्स किसको, टू अदर ऑडिट फर्म, अदर ऑडिट फर्म जिसका टेन्योर, हुज टेन्योर मतलब कौन से, या अदर ऑडिट फर्म का टेन्योर, अदर ऑडिट फर्म का टेन्योर हैज एक्सपायर्ड इन अ कंपनी इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, शैल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर द प्रीवियस 5 ईयर. मतलब ये कंपनी एक मतलब ये जो पर्टिकुलर फर्म है, ये जो पर्टिकुलर फर्म है एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती. क्यों, क्योंकि क्या ये कंपनी में एक ऐसा पार्टनर है जो कॉमन पार्टनर है दूसरे फर्म में, और ये फर्म का अभी 10 साल हुआ है कंपनी के अंदर. समझा. अब देखो बच्चों, जहां लॉ है वहां पे लॉ को तोड़ने के वेरियस चीजें होती है, वैसी गलती यहाँ पे हो गई. देखो पर्पस ऑफ द एक्ट ये नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या गलती हो गई लॉ में. ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना. अच्छे से ध्यान देना मेरे दोस्तों, ठीक है, बढ़िया. अच्छे देखो, ये जो है ना मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं अब भी बता देता हूँ, ये मेरी स्पेशलिटी रहेंगी, ये आपको कोई नहीं बताएंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको. चलो आ जाओ, शब्दों के साथ माया जाल में खेल लिया इन लोगों ने. आ जाओ आ जाओ आ जाओ
क्या बोल दिया, ए बी सी करके एक फॉर्म है, ठीक है, ए बी सी करके फॉर्म है केस थ्री। एबीसी करके एक फॉर्म है, ठीक है, एबीसी करके फॉर्म है, ये फॉर्म है ना। अब ये फॉर्म में क्या हुआ है, तीन पार्टनर्स है ए बी और सी। अब ये फॉर्म के है ना 10 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, मैं इसकी अपॉइंटमेंट से 10 साल गिन रहा हूँ इसलिए, ठीक है, 10 साल हो जाते हैं। मतलब ये क्या, ये अगर कंपनी है ना, ये यहाँ पे 10 साल एज अ अपॉइंटेड थी ऑडिटर, एज अ ऑडिटर अपॉइंटेड थी, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी कंपनी ले लो ना, मिस्टर अपना क्या बोलते हैं, तो कंपनी का नाम है अपना ये आदित्य बिरला ग्रुप, ठीक है, तो अल्ट्राटेक सीमेंट, ए सी सी लिखो ना भैया, सीधा सीधा सीमेंट ही लेना है तो काहे को ज़्यादा लोड लेने का। अच्छा, ए सी सी, ए सी सी के अंदर ऑडिटर थे, 10 साल इनके हो गए हैं, तो 10 साल के बाद पता है आपको क्या होता है, 10 साल के बाद क्या होता है, 10 साल के बाद क्या होता है, यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है एक्स वाई जेड को अपॉइंट कर लिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, आपका सर चकरा जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो फॉर्म थी ना एक्स वाई जेड, उसमें चेंजेस हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं चेंजेस, कैसे कैसे चेंजेस, ध्यान रखना, एक्स वैसा ही है, जेड एक्स वाई जेड वैसा ही है, लेकिन इसमें सी पार्टनर आ जाता है, यहाँ पे भी सी ने कार्य किया। सब्सिक्वेंट अपॉइंट, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं हुआ ये, मतलब जब जब एक्स वाई जेड को हम लोग अपॉइंट करने वाले थे तब ये बात, तब ये घटना नहीं घटी, ये तब वो चीज नहीं थी, ये बाद में हुई ये चीज। तो मुझे एक बात बताओ, क्या 1392 यहाँ पे अट्रैक्ट होगा क्या, क्योंकि 1392 का जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्लियर क्लियर बोल रहा है, देखो ना, क्लियर क्लियर बोल दे रहा है ना बच्चों, क्या एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब वो कब की बात कर रहा है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, कि जिस दिन आप अपॉइंट करोगे उस दिन कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़े दिनों बाद अगर कोई पुराने फॉर्म का पार्टनर ऐड हो जाता है, देखो प्रोविजन डिफीट की गई लेकिन आप लॉ में नहीं फंसोगे, यही तो होती है प्लानिंग ऑफ लॉ, ये ऐसे ही तो की जाती है प्लानिंग ऑफ लॉ, बस यही चीज, ये इसका ड्रॉबैक है बेसिकली। देखो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप लिखोगे कि द पर्पस ऑफ लॉ इज डिफीटेड हियर, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बताऊं तो आप वो पूछेंगे आपसे कि एक्स वाई जेड एलिजिबल है कि इनएलिजिबल, तो आपको एलिजिबल ही लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बात तो की गई थी एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ना, ऐसा हमारे जो क्वेश्चन बैंक है ना उसमें ये वाला क्वेश्चन कवर्ड है, ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग पढ़ोगे वो चीज को, मैं आपको पढ़वाऊंगा, हर चीज कराऊंगा मैं। चलो इन्होंने जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके दिया हो ना वो अपन पढ़ लेते हैं। आ जाओ, Mrs. XYZ company is an audit firm having partners X, Y and Z whose tenure has expired in the company immediately preceding the financial year. Mrs. ABC and another audit firm in which Mr. Z is a common partner. ये जो Z है ना वो XYZ में भी है और ABZ में भी है, तो common partner will also be disqualified. मतलब क्या, Mrs. ABZ भी disqualified for the company along with Mrs. XYZ. XYZ भी disqualified है और ABZ भी disqualified है, इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे बढ़ता जाओ, कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, आओ। अच्छा आपको कॉपी करना पड़ेगा क्या, आपको कॉपी करने देना कि नहीं देना, देना कि नहीं देना, ठीक है, आ जाओ पूरा कॉपी कर लो। और बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे ना थोड़ा सा आधा पेज छोड़ देना, ये तो एक पेज में आपका ऐसा आ जाएगा, ये वाली चीज एक पेज में आ जाए, या ये अगर ये चीज आधे पेज में आ जाती है आपकी, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर ये वाली चीज आपकी, ये वाला जो पेज है पूरा, अगर ये आपका आधे पेज में आ जाता है तो वो आधा पेज छोड़ देना और उसके बाद ये इंडिविजुअल और ये केसेस लिखना चालू कर देना फिर, ठीक है। आ जाओ मेरे दोस्तों, आओ आपको लिखने का मौका देता हूँ मैं, आ जाओ। हो रहा है क्या पर्टिकुलर सेट, एक नंबर, मजा आ गया, ये कर दिया मैंने फुल स्क्रीन आप लोगों के लिए, और आपको अब करना होगा कॉपी फटाफट, मैं आपके लिए बजा देता हूँ गाने।
वहां पे मैंने ग्रीन से कर दिया ताकि वो एलिजिबल हो गया करके हम लोग ऐसा बता सकते हैं उसमें। चलिए हो गया आपका, आ जाओ, बहुत अच्छी बात है, हो गया होगा आपका तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब जो आपने वो आधा पेज कर लिया था, आधा पेज है ना, उसके नीचे लिखना चालू करो, है ना, आ जाओ उसके नीचे लिखना चालू करो। आपको दिख रहा है क्या प्रॉपर? हाँ प्रॉपर दिख रहा है आपको, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, ठीक है बैठो, चलो आ जाओ। एक मिनट आ जाओ, एक बार ये भी ख़त्म कर दी देता है ना, लगे आप इतनी सी चीज़ें क्यों रखना अपने पास। चलो आ जाओ, ये वाली चीज़ मैं पढ़ने जा रहा हूँ अभी, एवरी कंपनी वाला, ध्यान दो। एवरी कंपनी में जो पढ़ रहा हूँ, आसानी से एकदम कूल माइंड से पढ़ना मेरे बच्चों, कुछ बहुत ही जिंदगी बहुत आसान है इसमें, बहुत ही सिंपल है। देखो, एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ऑन एंड बिफोर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब क्या, दिस एक्ट मतलब क्या, कंपनीज एक्ट 2013 which is required to comply with the provisions of this subsection. This subsection मतलब कौन सा? 139(2) shall comply. क्या बोल दिया? Shall. आपको comply करना पड़ेगा with requirements of this subsection within a period which shall not be later than the date of first annual general meeting of the company held within the period specified in the subsection 1, that is after from the 3 years from the date of appointment. मतलब basically क्या, देखो आपको चीजें बताते हो, बहुत ही आसान है। देखो, कंपनीज एक्ट 2013 जो एप्लीकेबल हुआ, ये हुआ 1 अप्रैल 2014 से, एक्ट आया 2013 में, एप्लीकेबल हुआ 1/4/2014 से, 1/4/2014 को एप्लीकेबल हुआ मेरे दोस्तों, ठीक है, एप्लीकेबल हुआ, हो गया एप्लीकेबल। अब क्या बोला कि आपको 139(2) को क्या बोला यहाँ पे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको 139 जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर है ना, वो एप्लीकेबल कराने के लिए हम आपको क्या देंगे, हम आपको 3 साल का समय देंगे।
3 ईयर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। आगे एक्सरसाइज है जिसमें मैं आपको अच्छे से कैसे कंप्लाई होता है वो बताया जाऊंगा, जहां पे 3 साल का आपको मौका दिया जाएगा कि आप हमारे एक्ट से कंप्लाई कर लो करके, क्या बोल दिया मैंने कि आपको 1/4/2014 से लेके आपको 3 साल का समय दिया जाएगा जहां पे आपको एक्ट को कंप्लाई करने मिल सकता है। वैसे तो देखो क्वेश्चन पूछना बिल्कुल नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि ये सब पुरानी बात है, ये ट्रांजिशन फेज वाला है। अब ये ट्रांजिशन फेज रहा ही नहीं तो अभी एप्लीकेबल इतना तो रहता नहीं है, लेकिन स्टिल पढ़ लेना एनी टाइम बेटर है। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो चलो आ जाओ इंडिविजुअल का केस लेते हैं। आओ मेरे दोस्तों, मिस्टर आईजी मेरी बात कर रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एन इंडिविजुअल ऑडिटर ऑफ बिनाका लिमिटेड फॉर लास्ट 5 ईयर्स एज ऑन 31/3/2013। 31/3/2013 को मैं 5 साल के लिए, तो वैसे 5 साल से मैं ऑडिटर था बिनाका लिमिटेड का। अब देखो, कीपिंग इन दिस व्यू द ट्रांजिशन पीरियड एज स्टेटेड इन कंपनीज एक्ट, क्या बोला है 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड अलाउ है करके, मिस्टर आईजी कैन कंटिन्यू टू ऑडिट इन बिनाका लिमिटेड अप टू द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब क्या, अगर मैं मार्च 2013 तक मेरे 5 साल भले ही हो गए थे, लेकिन अभी भी मुझे कंप्लाई करने के लिए और 3 साल, मतलब मैं और 3 साल के लिए ऑडिटर बन सकता हूँ, भले ही मेरे 5 साल हो गए होंगे, चल जाएगा। मैं फॉर्म की बात करता हूँ, आप टेंशन, अगर आपको तो हो सकता है ऐसा कि अभी एक बार में नहीं समझ रहा हूं, कोई बात नहीं है। मैंने देखो आपके लिए नीचे ये देखो, ये पूरी एक्सरसाइज उसी वही चीज से रिलेटेड है आपके लिए, ठीक है। चिंता मत करो, मैं हूं ना यार, कहां लोड लेते हैं आप लोग। चलो आ जाओ दूसरा देखते हैं फॉर्म। Mr. Raj and Associates, Chartered Accountant, is doing an audit of Binaka Limited for last 11 years, 2013 तक। अब मुझे एक बात बताओ, इस वैसे तो हम फर्म को 10 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया, कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया कि 10 साल से ऊपर कोई भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, अगर लिस्टेड कंपनी है या क्लासेस ऑफ कंपनी है, तो 10 साल के ऊपर फर्म नहीं कर सकती। इसके तो 11 साल हो चुके, लेकिन इन्होंने 3 साल के लिए रिलैक्सेशन दे दिया, तो अब क्या ये 3 साल के लिए और कर सकती है क्या? डेफिनेटली कर सकती है। आ जाओ, बस ये वही चीज वहां पे लिखा था। चलो ध्यान से आ जाओ। It has also been provided that the right of the company to remove an auditor or the right of the auditor to resign from office of company shall not be prejudicial। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 5 साल का अगर मैक्सिमम टर्म बोला गया, इसका मतलब ये नहीं अगर आप 5 साल के लिए अपॉइंट हुए तो आप तीसरे साल में रेजिग्नेशन नहीं दे सकते, आपको छोड़ के जाना है तो हम लोग मना नहीं किया, हम क्या रोकेंगे क्या आपको? आप क्या, आप मुझे बताओ, आप कैजुअल वैकेंसी क्रिएट करने से ऑडिटर को कोई रोकच नहीं सकता, ऐसा इनका कहने का मतलब है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, It has been provided that the right of the company to remove an auditor or the right of the auditor to resign from such office, मतलब कंपनी भी 5 साल के पहले रिमूव कर सकती है, ऑडिटर भी 5 साल के पहले रिजाइन कर सकता है, ऐसा इसका बोल दिया गया है, ये मतलब है। चलो, subject to the provisions of the act, members of the company may resolve to provide that audit firm appointed by it, the auditing partner and his team shall be rotated। देखो कौन करेगा? members of the company, members बोल सकती है, management नहीं बोल सकता। फिर से, मेंबर्स बोल सकती है, मैनेजमेंट नहीं बोल सकता। क्या बोल सकता है मेंबर्स, क्या बोल सकते हैं देखते हैं, कि अगर कोई ऑडिट फर्म को हमने अपॉइंट किया, अगर कोई ऑडिट फर्म को हमने अपॉइंट किया है, तो हम लोग बोलेंगे कि टाइम टू टाइम आपको आपके पार्टनर्स रोटेट करना पड़ेगा जो हमारे कंपनी का ऑडिट करेंगे, ऐसा हमने बोल दिया, ताकि क्या एक पार्टनर हमारे मैनेजमेंट के साथ मिलजुल के, हमारे मैनेजमेंट के साथ मिलजुल के कोई घपलो ना कर दे, ऐसा उसका कहने का मतलब है। और ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर, ये भी मेंबर्स लोग बोल सकते हैं। मेंबर्स लोग दो चीजें बोल सकते हैं मेरे बच्चों, ध्यान रखो, मेंबर्स लोग बोल सकते हैं कि एक ऑडिट फर्म में जो पार्टनर है वो कितने इंटरवल के बाद रोटेट करेंगे, ये बोल सकते हैं। दूसरा बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई भी ऑडिट है, शैल बी कंडक्टेड बाय, मतलब क्या, अगर मैं रिलायंस का ऑडिट कर रहा हूं, तो मेंबर्स लोग बोल सकते हैं कि रिलायंस का ऑडिट जो है वो एक ऑडिटर नहीं, 3 ऑडिटर करेंगे, 2 ऑडिटर करेंगे, 4 ऑडिटर करेंगे, वो मेंबर के ऊपर है, उनको जितने रखना है रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, द सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकती है, ऐसा बोला है, वैसे कुछ काम का नहीं है वो चीज, बट ठीक है, लिख दिया मॉड्यूल में है तो लिख दिया अपन ने, मॉड्यूल की कोई भी चीज छोड़ते नहीं अपन, एक बार ध्यान रखना, मॉड्यूल में जो रिपीटेटिव चीजें हैं बस मैंने वो चीजें यहाँ पे काट दिया और उसको शॉर्टन कर दिया, बाकी मॉड्यूल का कोई काटा पीटी मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भैया, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मॉड्यूल की हर चीजें मेरा कराना मेरा काम है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, तो मैं वो कराता ही हूँ, कुछ भी हो जाओ, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं क्या, मैनर ऑफ रोटेशन बाय द कंपनीज ऑन द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, ये वाली चीज है। हाँ,
चलो आपको पहले ये एक्सरसाइज करा लेता हूँ, फिर उसके बाद ये नया वाला थोड़ा सा टॉपिक है वो बाद में देखते हैं। पहले आपको ये इलस्ट्रेशंस करा ले, एक्सप्लेनिंग रोटेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंडिविजुअल ऑडिटर की बात कर रहे हैं। हमको पता है इंडिविजुअल ऑडिटर मैक्सिमम 5 सालों के लिए कर सकता है। देखो नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ईयर्स कितने के लिए जो उसने हेल्ड करके रखा है वो कितना हुआ है 5 साल। लेकिन ट्रांजिशन पीरियड, ये ट्रांजिशन का पीरियड है, ये एक एक मतलब ये जो है ना ऑन मार्च 2013 है ऐसा समझ लो, मार्च 2013 तक 5 साल वो ऑडिटर रह चुका है, तो 3 साल की और मोहरत दी है, मतलब टोटल 8 साल के लिए वो ऑडिटर बन सकता है। 4 साल का तो उसका मार्च 2013 तक उसके 4 साल हुए, तो 3 साल का आपको और समय दिया जाता है, तो आप 7 साल के लिए ऑडिटर बन जाओगे। 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको 3 साल का और समय दिया है, तो आप 6 साल तक ऑडिटर बन सकते हो। 2 साल का आपको समय दिया है, 3 साल और देंगे तो आप 5 साल हो जाएंगे। आपको आपको एक मार्च 2013 पे आपको एक ही साल हुआ है, लेकिन आप 2000 कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप कितना 5 सालों के लिए ऑडिटर बन सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे मैंने देखो मैंने जानबूझ के लिख के रखा हुआ आपके लिए, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 4 ईयर्स करना होगा, आप 5 साल के लिए ऑडिटर बन सकते हो। देखो कंपनीज के हिसाब से आप 5 साल बन सकते हो, है ना, आपने कंप्लीट किया 1 ही साल, ट्रांजिशन बोलता है आप 3 साल कर लो तो भी तो 4 ही हो रहे, तो एक तो और बचता है, तो आप टोटल कितने कर सकते हो, 5 कर सकते हो, ऐसा उसका कहने का मतलब था। ठीक है चलो, इंडिविजुअल ऑडिटर शैल इंक्लूड अदर इंडिविजुअल्स और द फर्म्स हुज नेम और ट्रेडमार्क और ब्रांड यूज बाय सच इंडिविजुअल। मैंने कल आपको एग्जांपल लिया था कि इंद्रेश गांधी का ब्रांड नेम सीए दीपिका रजानी यूज कर रही है करके, तो वैसे सिचुएशन में उसको भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाता था। हमने देखा था वो 141 वाले इसमें, हमने देखा था ना 141, याद आया क्या बच्चों? नहीं याद आ रहा है तो पिछला लेक्चर ओपन ही है, जाके देख लो, बिल्कुल बिंदास आप लोग देख सकते हो वो चीज। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन ऐसी बात होती है जो मैंने आपके साथ अभी कर दिया हूँ यहाँ पे। चलो उसके बाद मैं बात करता हूँ, consecutive years shall mean the preceding financial year for which the individual audited there has been a break or by 5 term or more। ये चीज मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला illustration करने के बाद समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है, later लिखना क्योंकि हम लोग नहीं छोड़ना चाहते कोई भी topic। जैसे देखो अगर illustrations, मार्च 2013 पे क्या हुआ, 10 साल आपके हो चुके, आपको 3 साल का और मौका दिया जाएगा, टोटल 13 साल हो गए। 9 साल आपको हो चुके, 3 साल का और मौका, टोटल 12 साल आप लोग ऑडिट कर सकते हो फॉर्म होने के बावजूद। 8 साल हो चुके, 7 साल हो चुके, 3-3 ये कर सकते हो। 6 साल हो चुके हैं, आपको 3 साल और दिया जाएगा, लेकिन आप एज अ फर्म कितने साल अपॉइंट हो सकते हो, 10 साल हो सकते हो, तो आप यहाँ पे और 4 साल का बेनिफिट ले सकते हो। वैसा ही यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, उसके नीचे 1 साल। ठीक है चलो, आज ये काम करो ना, ये यहाँ पे लिख दो ना मेरे दोस्तों, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ पे और कितने साल के, देखो 10, 10, 10, 10 ये कॉमन है, 10 से नीचे तो जाने ही नहीं वाला, इतना तो पक्का है, क्योंकि 10 साल तो लिमिट देके रखे किसने, कंपनीज एक्ट 2013 नहीं बोल दिया ना कि आप 10 साल तक कर सकते हो ऑडिट, तो 10 साल के वहां पे आगे तो अपने को जाने का ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में 5 और साल कर सकते हैं, 6 और साल कर सकते हैं, 7 और साल कर सकते हैं, 8 और साल कर सकते हैं, 9 और साल अपन कर सकते हैं। समझू कि नहीं समझू, समझू ना, चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों। सेम ऑडिट फॉर्म से रिलेटेड भी, अगर नेटवर्क ऑफ फॉर्म्स में वो फंसती है, अगर नाम लेती है तो भी वो दूसरी नेटवर्क फॉर्म्स में भी अगर कोई आती होंगी तो वो भी फंस जाएंगे, ऐसा इसका बोला गया है। ठीक है चलो, हाँ आ जाओ इधर, यहाँ पे आओ, यहाँ पे, यहाँ पे अच्छा, आ जाओ इधर, देखो इधर इधर, ओए पिंक टी शर्ट इधर, चलो आ जाओ। मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर बाय द कंपनीज एक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, मतलब क्या, अगर इंडिविजुअल है, मतलब ध्यान से सुनो मेरे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इंडिविजुअल है तो 5 साल बाद, अगर फर्म है तो 10 साल बाद, वो किस प्रकार से रोटेट की जाएंगी वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अब जो हम देखने वाले हैं कंपनी क्या क्या करने वाली है 5 साल बाद, अगर इंडिविजुअल हो, 10 साल अगर कौन हो, 10 साल अगर कौन हो मेरे दोस्तों, 10 साल अगर 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 फर्म हो तो क्या करने वाली है, ऐसा मैं देखने जा रहा हूँ आपके साथ अभी। चलो आ जाओ, देखो समझ लो पहले, ठीक है, ऑडिट कमेटी,
ऑडिट कमेटी मतलब क्या? ऑडिट कमेटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कमेटी रहती है जिसकी, देखो कोई भी कंपनी में एक प्रिस्क्राइब लिमिट्स दी जाती है, पेड अप शेयर कैपिटल इतना होना चाहिए, टर्नओवर इतना, बोरोइंग उतना। अगर वो लिमिट्स को क्रॉस कर जाती है वो कंपनी, तो उनको एक अपने कंपनी में ग्रुप बनाना पड़ता है जिसको बोला जाता है ऑडिट कमेटी। क्या बनता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ऑडिट कमेटी बनाने के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, या हो सकता है यही लेक्चर के एंड तक हम लोग देख ले उसको। लेकिन अभी मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, इतना ध्यान रखो कि क्या अगर आपको रोटेट करना है ऑडिटर, तो क्या ऑडिट कमेटी अगर आपके कंपनी में है तो ऑडिट कमेटी शैल रिकमेंड टू द बोर्ड। ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिकमेंड करेंगी द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर और द ऑडिटर फर्म। एक तो इंडिविजुअल या ऑडिटर फर्म हु मे रिप्लेस, मतलब जरूरी है क्या वही रिप्लेस करेंगे? नहीं, मैं सिर्फ अभी सजेस्ट कर रहा हूं यहां पे। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या रिकमेंड क्या कर रहा हूं मैं रिप्लेस द इनकमबेंट ऑडिटर, मतलब क्या ऐसा ऑडिटर जिसका टर्म अभी एक्सपायर होने वाला है उसको मैं बोलता हूं इनकमबेंट ऑडिटर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सच इनकमबेंट। ठीक है, चलो उसके बाद, where a company is required to constitute an audit committee, the board shall consider recommendation of such committee. In such other cases, the board shall itself consider the matter of the rotation. चलो, it's call for a chart आ जाता है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे दोस्तों, चार्ट बनाने के लिए हो जाओ ready। manner of rotation of auditor, अच्छा देखो, हो सकता एक कंपनी है, ठीक है, हो सकता है ये कंपनी में ऑडिट कमेटी हो सकता है ये कंपनी में ऑडिट कमेटी ना हो। अगर ऑडिट कमेटी है आपके इसमें, अगर आपके इसमें ऑडिट कमेटी है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, ऑडिट कमेटी क्या करेंगी, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेंगी। ऑडिट कमेटी क्या करेंगी बच्चों, रिकमेंड करेंगी, क्या करेंगी, रिकमेंड, अपॉइंट नहीं करेंगी, रिकमेंड करेंगी बोर्ड को। बोर्ड को क्या रिकमेंड करेंगी, क्या रिकमेंड करेंगी, नेम ऑफ ऑडिटर, क्या रिकमेंड करेंगी बच्चों, नेम ऑफ ऑडिटर कि कौन रिप्लेस करेगा अभी भैया जिसका 5 साल खत्म हुआ है उसको रिप्लेस करने वाला कौन है, ये करेंगे। देखो कंपनी में, मैं क्या बोला, कंपनी में हो सकता है ऑडिट कमेटी हो सकता है ऑडिट कमेटी ना हो। मेरे साथ रिपीट करो, क्या हो सकता है, कंपनी में ऑडिट कमेटी हो, ऑडिट कमेटी ना हो। अगर ऑडिट कमेटी है आपके इसमें, तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेंगी किसको, बोर्ड को, कि कौन सा ऑडिटर होने वाला है। और अगर आपके पास ऑडिट कमेटी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में बोर्ड बोर्ड खुद ही ढूंढ लेगा कि हमको अपना खुद ही ढूंढ लेगा दूसरा ऑडिटर जो हमको रिप्लेस कराना है ये पर्टिकुलर ऑडिटर से। इतना ये दो चीज में इन्होंने बोल दिया है और कुछ नहीं बोला इसके अलावा, आप भी पढ़ लीजिए। ठीक है, कर रहा हूं यार, मेंबर्स को बस ये डायग्राम ध्यान में रख लियो, आपको ये कंसेप्ट समझ जाएगा क्या बोल रहा है। कंपनी में ऑडिट कमेटी है, तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेंगी बोर्ड को, हो सकता है वो रिकमेंडेशन को ले ऑडिटर, वो हो सकता है बोर्ड वो रिकमेंडेशन की सुने या नहीं सुनी, तो खुद का अपना दूसरा भी दे सकती है मेंबर्स को। एक बात ध्यान रखना ना, क्योंकि रिकमेंडेशन हुआ है, क्या जरूरी है क्या बोर्ड को लेना वो चीज, नहीं। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी नहीं है, तो बोर्ड खुद ही रिकमेंड कर देंगी किसको, मेंबर्स को, इन AGM। कहाँ पे, इन AGM, बोलो मेरे साथ कहाँ पे मेरे दोस्तों, AGM में होने वाली है ये चीज। ओके ओके गाइस, कम ऑन कम ऑन, बस यही वाली तो चीज थी। देखो चलो उसके बाद, फॉर द पर्पस For the purpose of the rotation of auditor, in case of an auditor where individual or audit firm, the period for which the individual auditor has held the office as an audit prior to the commencement of the act shall be taken into account for calculating the period of 5 consecutive years or 10 consecutive years as the case may be। अभी हमने नीचे illustration में देखा, मतलब ये क्या ये बोल रहा है कि अगर कोई auditor ऐसा है जो ये act के शुरू होने पहले से auditor है, तो उसको 5 years या 10 years का वो जो देखने के लिए हम लोग उसका prior period calculate करेंगे। मतलब ये basically वो ये वाली चीजों की बात कर रहा है, वो है ना ये वाली चीज की बात कर रहा है, ये वाली चीज की, और यहां पे है ना ये वाली चीजों की बात कर रहा है।
कि 5 साल और 10 साल वाली लिमिट के लिए हम लोग प्रायर पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। अगर प्रायर में, अगर फॉर्म के केस में प्रायर में वो केवल 3 साल ही ऑडिट कर रहा है तो हम उसको 7 साल और दे देंगे, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, मैं देखो, मैं ना बहुत सारे बुक्स पढ़ के आपके सामने ना एक छोटा सा ऐसा कंसेप्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ, जब आप इस चीज को डिटेल में पढ़ोगे ना बच्चों तो बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको सुनते जाओ, आराम से अभी एनालाइज करो, आराम से उसको सोच लो, और उसके बाद आप लोग, मैंने आपको बुक तो दे दिया, वो बुक को बढ़िया आराम से पढ़िए फिर घर पे, है ना। चलो आ जाओ। उसके बाद द इनकमिंग ऑडिटर और द ऑडिटर फर्म शैल नॉट बी एलिजिबल इफ सच ऑडिटर और ऑडिट फर्म इज एसोसिएट विद द आउटगोइंग ऑडिटर और अंडर द सेम नेटवर्क। मतलब ये क्या, ये जो नेम ऑफ ऑडिटर मैंने बोला ना आपको, ये जो ऑडिटर है ना, ये ऑडिटर जो है ये सेम नेटवर्क में नहीं होना चाहिए। लाल में बना रहा हूं ताकि वो क्या, लाल मतलब स्टॉप, सेम नेटवर्क नहीं होना चाहिए, जो जा रहा है वो ऑडिटर का एसोसिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम नेटवर्क, या जो जा रहा है ना, बेसिकली जो ऑडिटर अभी छोड़ के जा रहा है, जो जा रहा है छोड़ के, उसका ये जो नया वाला ऑडिटर जो हमने सोचा है ना, वो सेम नेटवर्क ऑफ फर्म में नहीं होना चाहिए, वो उसका एसोसिएट नहीं होना चाहिए, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगर वो उसका होता है तो, अगर वो उसके एसोसिएट होता है या अगर वो उसका क्या बोलते हैं सेम नेटवर्क में होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन वन पे आ रहा हूं मैं। For the purpose of these rules, the same network of firms includes operation they do by the same brand name and trade name or common control. जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल मैं आपको लू के बढ़िया, जैसे देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके लिए। ये है हमारी एक ब्रांड वाली कंपनी, नेटवर्क फर्म वाली कंपनी, मान लीजिए इसका नाम है क्या नाम है इसका, EY and Associates LLP करके, इसके अंदर है ना बहुत सारे IG कंपनी करके है, मतलब IG की फॉर्म है, फिर मिस्टर सिद्धेश की फॉर्म है, फिर और हेमंत की फॉर्म है, और हरीश की फॉर्म है, और चीनू की फॉर्म है, ऐसे अलग अलग नाम यार अपने दोस्तों के नाम ले लो और क्या। तो क्या अगर मिस्टर आईजी कोई पर्टिकुलर कंपनी में ऑडिटर रह जाते हैं और ये फर्म है आईजी एंड एसोसिएट्स करके, मान लीजिए एक फर्म है, तो वो 10 साल के बाद वो हो जाएंगे इनएलिजिबल, तो वो दूसरी जो कंपनी में वो ऑडिटर थे ना, वो सोचते हैं अब हम हेमंत एंड एसोसिएट्स को अपॉइंट करते हैं करके, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है बेसिकली अर्नस्ट एंड यंग के LLP में सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स में आता है, वो सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स में जो जो कंपनी आएंगी सबके ऊपर ये जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर करके। मतलब भी क्या, एक बार इसके 5 साल खत्म तो ये भी खत्म, कोई ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग सेम नेटवर्क ऑफ फर्म्स के थ्रू आते हैं, इसके लिए ऐसा बोल दिया गया है। दूसरा एक्सप्लेनेशन टू, फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स अ ब्रेक इन द टर्म ऑफ 5 कंटीन्यूअस ईयर्स शैल बी कंसीडर्ड एज पुलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर। बहुत सही बात है, ठीक है। ब्रेक इन द टर्म, टर्म मतलब टर्म, एक टर्म कितने का होता है, एक तो 5 साल का होता है, 5 ईयर्स का, ब्रेक इन अ टर्म फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब ही क्या, जैसे देखो आपने 1-2 साल कंप्लीट किए, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे, अगर आपने क्या बोल सकते ब्रेक इन अ टर्म, आप कब बोलेंगे, जब आप कंटिन्यूअस पांच सालों के लिए आप अगर कुछ भी नहीं करते हो, आप वो कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं आपको, आप वो कंपनी के ऑडिटर बनते ही नहीं हो, तो वो सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे क्या कि आपने ब्रेक इन टर्म की कंडीशन फुलफिल की। आपको एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन सेम ऑडिट दूसरी ऑडिट फॉर्म के लिए भी हो जाता है ये एप्लीकेबल। चलो आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, आ जाओ, ये आपको लिखने का मौका दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, यहां से ले लेता हूँ, उसको कॉपी करते हैं ना अपन, ब्रेक इन टर्म ऑफ 5 कंटीन्यूअस ईयर वाला। इसको कर लिया मैंने कॉपी और इसको कर लिया मैंने पेस्ट, बहुत ही प्यारी बात। चलो आ जाओ, देखो मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर हिम्या, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। मिस्टर हिम्या ACC के ऑडिटर है मिस्टर हिम्या, ठीक है। पहला साल इन्होंने ऑडिट किया, दूसरा साल इन्होंने ऑडिट किया, तीसरा साल किया, चौथा साल किया, पांचवा साल किया,
बहुत बढ़िया बात। अब हो गए इनएलिजिबल, तो इनको 5 साल के लिए टोटल गैप देनी पड़ेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, 5 साल के लिए टोटल, ये देखो रेड कलर से किया मतलब है क्या, 5 साल के लिए अब हो जाएंगे इनएलिजिबल, उसके बाद ये लगे तो फिर से इनकी एलिजिबिलिटी अट्रैक्ट हो जाएंगी। देखो ये 5 साल इन्होंने किया और फिर वो 5 साल के लिए हो गए बैन, और उसके बाद वो बैन नहीं बोल सकता हूं मैं, 5 साल के लिए हो गए इनएलिजिबल और उसके बाद वो फिर से एप्लीकेबल हो गए, ठीक है, फिर से उनको अट्रैक्ट हो गया वो चीज, अट्रैक्ट हो गया इन द सेंस वो ऑडिटर बन सकते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, 1 साल उन्होंने किया, 2 साल उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद बोले मैं ऑडिटर नहीं बनता, हट मेरे को नहीं बनना करके, ऑडिटर हट हट मेरे को नहीं बनना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, ये जो तीसरा साल है ना यहां पे ऑडिट नहीं किया, यहां पे तीसरे साल में इन्होंने क्या किया, ऑडिट नहीं किया। फिर ये लोग चौथे साल में, जो चौथा साल था यहाँ पे, फिर से वो ऑडिटर अपॉइंट हुए, मतलब बेसिकली देखो यहाँ ऑडिट किया, यहाँ ऑडिट किया, तीसरे साल में ऑडिट ही नहीं किया। अब मुझे एक बात बताओ, चौथे साल से क्या मैं मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मैं 5 साल के लिए ऑडिट कर सकता हूँ कि केवल और केवल 3 साल के लिए ऑडिट कर सकता हूँ, और अगर मेरे को अपॉइंट करना है तो मैं कितने सालों के लिए करूँ करके, मुझे आप बता दो ये बात। आप पेंसिल से साइड में लिख के रखोगे, मैंने आपको बोला था पेंसिल से, आपको पेंसिल ऑलवेज अपने पास रखना है, आपको साइड में लिखना पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूँ आपको बताना पड़ेगा, मेरे को इसका आंसर क्या है करके मेरे को जानना है। जानना है तो जानना है, बताओ मेरे को, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लगे तो आप ये चीज पढ़ो, लो ये चीज पढ़ो, अ ब्रेक इन अ टर्म फॉर कंटिन्यूअस, मतलब क्या, अ ब्रेक इन अ टर्म फॉर कंटिन्यूअस, हम लोग ब्रेक इन अ टर्म, हम ब्रेक मानेंगे टर्म में केवल तब जब कितना होगा, जब आप कंटिन्यूअस 5 सालों के लिए, जब आप कितना कंटिन्यूअस 5 सालों के लिए, 5, देखो आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है 5 सालों के लिए, जब तक आप 5 सालों के लिए जब तक आप ब्रेक नहीं मारोगे अपने टर्म में, तब तक आप लोग, हम लोग बोलेंगे कि आप लोग क्या होते रहोगे इनएलिजिबल। मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज, जैसे देखो आप लोग, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि आप केवल 3 साल ही ऑडिट कर सकते हो, आप 5 साल वाली चीज नहीं कर सकते, आप नहीं हो सकते, क्योंकि आपने ब्रेक कितना दिया है, केवल 1 ईयर का ही आपने, 1 ईयर का ही आपने ब्रेक दिया है। अब मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल कराऊंगा ना, उसमें आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे पूरे मेरे दोस्तों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, बढ़िया, ये 3 साल मस्त पै के ऑडिट किया मिस्टर हेमया ने, एसीसी का मिस्टर हेमया ने ये तीनों साल में बहुत बढ़िया तरीके से एसीसी का ऑडिट किया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद चौथे पांचवें छठवें सातवें और आठवें साल तक इन्होंने ले लिया ब्रेक मेरे दोस्तों, इन्होंने 8वें ईयर तक पूरा ब्रेक लिया। तो अब ये जो यहाँ पे अपॉइंट होंगे, ये इंडिविजुअल है ना, तो यहाँ पे अपॉइंट कितने साल के लिए हो सकते हैं, अब तो मैक्सिमम 5 साल के लिए हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 सालों के लिए ये अपॉइंट हो सकते हैं। अब आपको समझ गया होगा मैं क्या कहना चाहता था, अगर आपको ब्रेक देना है तो आप अगर कंटिन्यूअस 5 साल का ब्रेक दे देते हो तो आपकी जो लिमिट है ना वो रिन्यू हो जाएंगी, लेकिन आप 5 साल का ब्रेक नहीं देते हो तो जितनी बची कुछ लिमिट थी उतनी लो, अगर 0 लिमिट बची हुई थी तो आप एलिजिबल नहीं होते हो, लेकिन अगर आपने 3 ही साल ऑडिट किया तो आप 2 साल और कर सकते हो अगर आप 5 साल का ब्रेक नहीं लोगे तो, अगर आपने 1 साल का किया तो आप 3 साल, आप 4 साल के लिए और कर सकते हो, अगर आपने 5 साल कर चुके हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, जयराम जी की उसको बोलो 5 साल का ब्रेक लो और फिर से ऑडिटर अपॉइंट हो जाना, फॉर्म होगा तो 10 साल हो जाएगा, फॉर्म होगा तो 5 साल का यूनिट वैसे ही रहेगा, लेकिन जो मैक्सिमम जो वहां पे 5 इयर्स और ये 3 इयर्स है ना, तो वहां पे 7 हो जाता था ऊपर और नीचे के केस में कितना, हाँ नीचे ऊपर के केस में 8 हो जाता था और नीचे के केस में टोटल 7 हो जाते थे, ये बात थी वो और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आ जाओ मेरे दोस्तों, ये हो गया, बस यही वाली चीज थी। तो आप क्या करो यहां पे है ना, यहां पे ना, यहां पे ना ब्रेक इन द टर्म को एक ब्रैकेट में डाल दो, फॉर कंटिन्यूअस 5 इयर्स को दूसरे ब्रैकेट में डालो, आपको पूरा क्लियर समझ जाएगा, मैंने वो ब्रैकेट्स दे दिया ना, ब्रेक इन अ टर्म, टर्म कितने इसका होता है 5 सालों का, टर्म कितना होता है 5 सालों का, इतना इनडेप्थ नॉलेज होना चाहिए बच्चों आपको एग्जाम के लिए, है ना, ये टर्म होता है। चलो अब मैं ये वाली चीज पढ़ने जा रहा हूं,
If a partner who is in charge of an audit firm and also certifies financial statements of the company retires from the said firm and joins another firm of chartered accountant, such other firm shall be ineligible to be appointed for the period of 5 years. ये तो हम तो जानते हैं ना, same network of firm या common partner वाली हमने चीज भी देख रहा था. Common partner नहीं, और अगर वो छोड़ के, अगर common भी नहीं है, मान लो वो छोड़ा और ये firm में गया, तो ये firm ineligible हो जाएंगे 5 साल के लिए. बस यही वाली बात है, ठीक है. बस यही वाली चीज तो मैं आपको जब से समझा रहा हूँ, ये वाली वो बात हो गई. समझ गया क्या आपको, है ना, जो मैं बोल रहा था पूरा अच्छे से दिमाग में गया क्या मेरे दोस्तों, है ना, ऑल गुड. चलिए, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, एक बार पूरा पढ़ लेते क्या आप थोड़ा, बढ़िया. जितना भी मैंने आपको समझाया, फिर मैं आपको शॉर्ट में तो मैं आपको आज पूरा समराइज करके दूंगा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा करके पूरे डे में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा अभी का समराइज कर लोगे तो कितना मजा आ जाएगा आपको. आप बोलोगे सर क्या पढ़ाया करके, देखो फिर आ रहा है ऑडिट कमेटी कब कब एप्लीकेबल होंगी, वो आ ही रहा है देखो नीचे, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट कमेटी यहाँ पे बोला है ना. चलो ये लेटर वाला पार्ट हमने, अच्छा ये वाला जो पार्ट था ना वो पढ़ लो एक बार, वो वाला भी पढ़ा देता हूँ आपको. कंसेक्यूटिव शैल मीन द ऑल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इंडिविजुअल हैज बीन ऑडिटेड अंटिल देयर हैज बीन अ ब्रेक ऑफ 5 टर्म इयर्स. जो मैंने आपको इतना समझाया ना अभी, वो ग्रीन और लाल पेन से, बस वही ग्रीन और पेन हाईलाइटर्स से, बस वही वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है. चलो चलो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ो पढ़ो फटाफट फटाफट, वी हैव नो टाइम. Come on. फोन वोन बंद ही रखना चाहिए यार, तो लोग परेशान करते रहते हैं. और हाँ, आपने अगर वो WhatsApp पे ज्वाइन नहीं किया होगा हमारा CA इंटर का ग्रुप, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, उसमें रोज MCQs डालता हूँ मैं, बढ़िया. और आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए, तब भी तो मजा आएगा ना, सब लोग पास होंगे तो ही मजा आता है, ऐसे अकेले अकेले पास होके कोई फन नहीं होता है. सब दोस्तों को भी रिकमेंड किया करो, ऐसा नहीं कि मैंने मैंने कर लिया और हो गया, फिर ऐसा नहीं करना का कभी. बढ़िया, सबके साथ रहो, सबका साथ सबका विकास, जानते हो ना वो चीज. चलो आ जाओ पटपट पटपट करो भैया, हाँ टाइम नहीं है अपने पास. कौन, और एक बार आपका पढ़ के हो गया होगा तो ये चीज कॉपी कर लो, मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर, मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर कॉपी कर लो इसको, है ना. एक बार एक काम करो, एक बार इसको कॉपी करो, फिर हम पढ़ने के लिए मैं आपको और टाइम देता हूँ. बढ़िया, इसको कॉपी कर लो, मैं आपको बैकग्राउंड में सॉन्ग्स बजा देता हूँ, बढ़िया एक नंबर, आपका मन भी लग जाता है. फिर फटाफट कॉपी करो, गाने मत सुनते बैठना, नहीं तो पता चल रहा वो रह गया अलग और अपन अपना गाने ही सुनते बैठ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. अच्छा मैं आ ही रहा हूँ क्या, हाँ ये लो. फटाफट करो बच्चों कॉपी.
लिया ना आप लोगों ने कॉपी? चलिए आ जाइए फिर से इस पे। इस पे आ जाओ, डी वाला पॉइंट आ जाओ। क्या बोल रहा है यहाँ पे? Where a company has appointed two or more individuals or a firms or a combination thereof as a joint auditor, the company may follow the rotation of auditors in such a manner that both or all of the joint auditors, as they may be, do not complete their term in the same year. करके वाह 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 वाह। ध्यान दो, अगर कोई कंपनी है उसने अगर दो इंडिविजुअल्स को एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है, ठीक है, जॉइंट ऑडिट के लिए अपॉइंट किया उन्होंने, कर सकते हैं आप लोग एज पर एसए 299। एसए 299 क्या होता है हम लोग देखने वाले, टाइम रखो, सब्र करो, आराम से थोड़ा जरा सब्र करो, ठीक है। चलो, दो लोगों को अपॉइंट किया, अब मैक्सिमम टर्म कितना हो सकता है? 5 साल हो सकता है कोई भी ऑडिटर का, लेकिन मैं क्या करूंगा, चौथे साल में एक को हकाल दूंगा, दूसरे को अपॉइंट कर लूंगा, तो एक साल फिर से जॉइंट हो जाएगा। देखो, मिस्टर ए बी को मैंने जॉइंट के लिए अपॉइंट किया, ठीक है, मिस्टर ए और बी को अपॉइंट किया था मैंने, तो ए का मैं क्या करता हूँ, ए को 4 साल के लिए रखता हूँ, 4 साल में उसको हकाल देता हूँ, 4 साल में बोलता हूँ अब खत्म भैया तुम्हारा टर्म खत्म, तो जो 5वां साल का ऑडिट होगा ना वो बी करेंगे, और मैं चौथे साल में सी को भी अपॉइंट कर लूंगा, तो 5वां साल का सी और बी अपॉइंट कर रहा है, फिर उसके बाद मैं बी के 5 साल हो गए तो उसको हकाल दूंगा, मैं डी को अपॉइंट कर लूंगा, फिर 4 साल 5 साल 4 साल 5 साल वो चलते रहेगा। समझ गया क्या? आपको दिमाग के तार खुल गए क्या? नहीं समझाऊंगा तो बैकवर्ड जाके फिर से देख लो यार, और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल चीज मैंने आपको बता दिया, आपको समझ जाएंगी वो चीज, ठीक है। चलो आ जाओ, पूछते नहीं है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्विक वे में उसको करवा दिया, ठीक है, आ जाओ। प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट कमिटी, मैंने आपको बोला था ना, मैंने आपको याद आ रहा है कि ऊपर अभी तो बताया मैंने ऊपर कि आपको ऑडिट कमेटी, जो ऑडिट कमेटी होती है ना, आपको कुछ कंपनीज में ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी होता है। आखिर वो ऐसे कौन सी है? तो यहाँ पे बोला है एज पर सेक्शन 277 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी, मतलब इन्होंने बोल दिया कि अगर सेक्शन 277 ने जो क्राइटेरिया दिए है वो क्राइटेरिया के अंदर अंदर अगर आप फंस जाते हो तो आपको ऑडिट कमेटी बनाना होगा। वेयर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 277, ऑल अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग फिलिंग अप ऑफ कैजुअल वैकेंसी अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट the recommendation of such committee, मतलब क्या? देखो, all appointments, casual vacancy जो है ये आपको करना पड़ेगा कब? After recommendation of such committee, मतलब ये committee recommend करने के अगर इन्होंने बोला तो जरूरी नहीं है कि आपको मानना ही है, आपको मतलब board को मानना ही है, जरूरी नहीं है भैया। अगर इन्होंने recommend किया, आपको recommendation इनका लेना पड़ेगा, आपने अगर recommendation लिया तो चल जाएगा। चलो आ जाओ, कौन सी कंपनी के लिए ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा? अनिवार्य है ऐसी कौन सी कंपनीज के लिए? इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट इन एडिशन टू लिस्टेड पब्लिक कंपनीज, अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसके लिए ऑडिट कमेटी आने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनी शैल कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, कौन सी क्लासेस ऑफ कंपनी है? पहला, ऑल पब्लिक कंपनीज विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़। सर कुछ तो भी ध्यान में आ रहा है यार, कुछ तो भी आपने बताया था ना सर हमको, बस वही तो दिख रहा है मेरे को, बस वही तो है, ध्यान दो। पब्लिक कंपनी का एज इट इज लिमिट है, सॉरी, पब्लिक कंपनीज का पेड अप शेयर कैपिटल का एज इट इज लिमिट है 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़। ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ रुपीज और मोर, फिर ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग ऑफ डिपॉजिट एक्सीडिंग, मैंने आपको बोला था ना ग्रेटर देन वाली एक चीज आती है, ये यहाँ पे एमसीक्यू पूछ सकते हो, उस पर ध्यान रखियो मेरे बच्चों, अच्छे से दिमाग में बैठा लो, एक्सीडिंग 50 करोड़ और मोर, आपको चार्ट बना के समझाऊंगा तो ऐसे मजा आ जाएगा। लेकिन एक खास बात बताऊँ क्या आपको, यहाँ पे जितनी भी इन्होंने बात की है ना, पब्लिक, प्राइवेट कंपनी होना, प्राइवेट कंपनी अगर आपको ध्यान में आया तो उसको पहले ही निकल देना, निकल पहले फुर्सत में निकल, ऐसा बोल देना उसको, प्राइवेट कंपनी को आपको लेना ही नहीं है, आपको लेना है केवल पब्लिक कंपनी को, पब्लिक कंपनी में ही बनेंगी ऑडिट कमेटी, ध्यान रखना, पब्लिक कंपनी में ही बनेंगी ऑडिट कमेटी, फिर से बोल रहा हूँ, पब्लिक कंपनी में ही बनेंगी ऑडिट कमेटी। आ जाओ मेरे साथ, आपको चार्ट बना के बता रहा हूँ बच्चों, चार्ट बनेगा तो आपको सब समझेगा, चार्ट बनेगा तो सब समझता है, पहली बात ध्यान में रख लियो, आप जब भी पढ़ोगे हमेशा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप मेरा ही नहीं, ऑडिट ही नहीं मेरे दोस्तों,
तो आप अगर कोई भी सब्जेक्ट लॉ भी पढ़ोगे ना, आप चार्ट्स बना के पढ़ना। चार्ट्स बनाने से बहुत बेनिफिट होता है, समझ लो बात को। आप इनकम टैक्स भी पढ़ोगे तो चार्ट्स बना के पढ़ो, हर चीज चार्ट फॉर्म में पढ़ोगे तो बराबर दिमाग की नसें खुलती है। अच्छा ऐसा, अच्छा वैसा, उसका हुआ तो वो, दो चीज हम जैसे करते हैं ना वैसी चीजें। देखो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ बहुत ही तेजी में, आपको भी लिखनाऊंगा, मेरे को भी लिखनाऊंगा, साथ साथ लिखोगे, गाने वाने नहीं बजाऊंगा, साथ में लिखो। ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी होगा क्या बच्चों? एप्लीकेबल, एप्लीकेबल टू कंपनीज कंपनीज में, रादर मैं यहाँ पे दूसरी कंपनीज नाम ले लूँ क्या? जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझा नहीं होगा, रुको मैं यहाँ पे बोलूँगा पब्लिक कंपनीज करके, सीधी सीधी पब्लिक कंपनीज जो लिस्टेड होंगी तो उनको स्ट्रेट अवे एप्लीकेबल करा देना, बिना किसी झंझट के उनको एप्लीकेबल करवा देना। क्या बोला मैंने? अगर कोई पब्लिक कंपनी अगर लिस्टेड होंगी तो एप्लीकेबल करवा देना, अनलिस्टेड होंगी मेरे दोस्तों, अनलिस्टेड, अनलिस्टेड अगर कंपनी होंगी तो आपको अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ऑब्वियसली बात है, बात किसकी हो रही है? पब्लिक कंपनीज की, केवल और केवल पब्लिक कंपनीज की। अनलिस्टेड होंगी तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10, 50, 100, आपको ऐसा ध्यान रखना है, 10, 50, 100, 10, 50, 100, PBT, 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 10, 50, 100। पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करोड़, बोरोइंग शुड बी एक्सीडिंग 50 करोड़, एंड टर्नओवर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 करोड़। सिंपल सी लाइफ है और कुछ भी नहीं है। ऐसी सारी कंपनीज में आपको ऑडिट कमेटी बनाना होगा। ऑडिट कमेटी किन किन में एप्लीकेबल होंगी? तो केवल पब्लिक कंपनीज में होंगी, प्राइवेट कंपनी हो तो हकाल दो उसको, पहली फुर्सत में भगा देना उसको। पब्लिक कंपनी में लिस्टेड कंपनी होंगी तो देखना ही नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी हो तो कुछ क्राइटेरिया में आपको देखना होगा उसका। पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है क्या? ले लो। या उसकी बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा है क्या? ले लो। या उसका टर्नओवर ग्रेटर देन 100 करोड़ है क्या? तो ले लो। करोड़, छोटे मोटी बात नहीं करते, सीधी करोड़ की बात करेंगे भैया। अगर ये क्राइटेरिया में फंस गया तो इन लोगों को ले लेने का, अगर ये क्राइटेरिया में नहीं फंसा तो वहां पे ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। जहां जहां ऑडिट कमेटी बनती है तो इन ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन जाता है बोर्ड को, रिलेटेड टू क्या? कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है तब भी रिकमेंडेशन जाता है, या अगर कोई अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फ्रेश अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होता है तो भी रिकमेंडेशन जाता है। दोनों सिचुएशन में रिकमेंडेशन जाता है। मेरे साथ आप लोगों ने बना लिया होगा, उसके बाद चलो आता हूँ। देखो ध्यान दो, एक्सप्लेनेशन में किसकी बात की है? पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग और डिबेंचर और डिपॉजिट एज द केस में बी एज एन एज एग्जिस्टिंग ऑन द लास्ट ऑडिटेड। ये आपको देखना कब की है, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप 6 जुलाई में, अगर आप 17-18 का आपको अगर देखना है, 17-18 नहीं बताओ, 20-21 में, 1-4-20 से लेके दो, 1-4-20 से लेके, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं क्या हो रहा है मेरे को, 1-4-20 से लेके 31-3-21 तक अगर आपको ये पर्टिकुलर ईयर में ऑडिट कमेटी बनाना है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको 31 मार्च की बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर 31 मार्च की अवेलेबल नहीं है तो 31 मार्च 2019 की देखना पड़ेगा। वैसे कंपनी के केस में हर साल ऑडिटेड बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी हो जाता है मेरे दोस्तों। उसके बाद चलो एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक आपके लिए, बहुत खूब वाला एग्जांपल लाया हूं मैंने, चलो आ जाओ।
एक्स वाई जेड लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 9 करोड़, पेड अप कितना है 9 करोड़ है ध्यान रखियो, बट हैविंग टर्नओवर ऑफ 150 करोड़, टर्नओवर के लिए कितनी लिमिट दी गई थी 100 करोड़ की, इसने क्रॉस कर दिया, तो इसको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा. विल क्रिएट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी अंडर बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट अराइजेज इफ द कंपनी फॉल्स एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया. ये तीनों में से एनी वन तो आपको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा. हो गया. बस ये वाली चीजें थी और क्या मेरे दोस्तों, और आपको ये वाली चीज भी आज करा दूंगा मैं. ये वाला जो चीज है ना थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अगले क्लास में करेंगे आराम से, है ना. ये वाली चीज करा दो पहले और फिर पूरा रिवीजन करवाऊंगा आपको. रिवीजन देखो बच्चों, रिवीजन कभी आपको छोड़ना नहीं है. आप लोग फास्ट, आप लोग 2 पे देखो, 1.5 पे देखो, 1.2 काय पे भी देखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन आप रिवीजन को स्किप किया तो समझ लेना आपने फेल होने की प्लानिंग चालू कर दी है अपनी. ठीक है, समझ गए? चलो आ जाओ ध्यान से, अच्छे से पढ़ना ऑडिटर्स रिमुनरेशन में क्या बोल रहा हूँ करके. अब वैसे आपको अगर ये पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो फटाफट, ये पढ़ लीजिए, इतना सा तो पार्ट है. लो स्क्रीन पे पढ़ लो फटाक से, ये लो पढ़ो, आप भी क्या याद रखोगे. चलिए लास्ट पार्ट आज का हम लोग देखने जा रहे हैं जो है ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन से रिलेटेड. ऑडिटर्स के रेम्यूनरेशन, जो ऑडिटर को हम लोग पैसा देने वाले हैं ना, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं. जो ऑडिटर्स को हम लोग पैसा देने वाले हैं, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं. जो फिफ्थ टॉपिक है हमारा ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन. ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है उसके लिए हम लोग नीचे लिख के रख लेते हैं. आ जाओ ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन में पहली वो चीज़ आएंगी जो भी जनरल मीटिंग में, जो भी जीएम में स्पेसिफाइड होगा वो चीज़ आ जाएंगी ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन में. ठीक है, जनरल मीटिंग में जो भी चीज़ डिस्कस हो जाएंगी म्यूचुअली वो आपको लेना होगा. ये देखिए, एज पर सेक्शन 142 द रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑफ द ऑडिटर ऑफ कंपनी शाल फिक्स्ड इन द जनरल मीटिंग इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड देयर इन. However, बोर्ड में फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर के केस में हम लोग जानते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी जो 139(6) के हिसाब से जो मनाई जाती है 30 दिनों के अंदर. BOD 30D हमने सोचा था ना, जो हमने बोला था BOD 30D, वैसे सिचुएशन में वहां पे क्या बोर्ड भी बना सकती है. अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो बोर्ड भी स्पेसिफाई कर सकती है. लेकिन क्या इस रेम्यूनरेशन इसके अलावा और कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है. जैसे देखो दूसरा पार्ट, फर्दर द रेम्यूनरेशन इन एडिशन टू द फी पेबल टू ऑडिटर इंक्लूड एक्सपेंसेस. इंक्लूड क्या बोला? एक्सपेंसेस. इसमें एक्सपेंसेस भी इंक्लूड होता है. मान लीजिए ऑडिटर साहब, हमारे ऑडिटर साहब है ना नागपुर से आते हैं मुंबई, मुंबई में हम लोग उसको भेजते हैं टैक्सी लेने के लिए, उनको लेने के लिए हम लोग टैक्सी भेजते हैं, तो जो टैक्सी का खर्चा हुआ वो भी हमारे फीस पेबल में ऐड होने वाला है, वो अलग से खर्चा नहीं दिखाया जाएगा. ऑडिटर्स को फीस दी ऐसे करके बताया जाएगा. ठीक है, आप लोग अगर देखे अच्छा नहीं. उसके बाद एक और चीज, फीस पेबल के अलावा करेक्शन इन द ऑडिट, जो भी आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए वो आ जाएगा यहां पे.
तीसरा, एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम, कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो एक्सटेंड कर दी जाती है वो भी आती है किसमें? इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको. मान लीजिए मैं ना ऑडिटर हूं ताज का, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स का मैं ऑडिटर हूं. ठीक है, मैं ऑडिट करने जाता हूं मुंबई वगैरह, एक नंबर बढ़िया पहुंचा वहां पे, मैं बढ़िया जा रहा था ऐसे घूम रहा था, मतलब दिन भर ऑडिट वगैरह किया, मरीन ड्राइव पे शाम में से घूम रहा था. अब क्या हुआ, जाते थे मुझे मैं एटीएम से पैसे विड्रॉल करने के, और मैं देखा वहाँ पे कोई खड़ा है, जाना पहचाना व्यक्ति खड़ा है, मैं देख रहा हूँ उसको, उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, हम सोच ही रहे यार इसको कहीं तो भी देखा है करके, कहीं तो भी तो देखा है. तो मैंने जब सोचा तो मुझे ध्यान आ गया कि ये तो साक्षात कौन है, साक्षात है रतन टाटा. जी हाँ, रतन टाटा मेरे सामने खड़े थे और उन्होंने पूछा, अरे इंद्रेश कैसे हो करके, हमने तो आपको ऑडिटर वगैरह अपॉइंट किया, एक नंबर बढ़िया, हमने बातचीत की उनके साथ मस्त पे की बैठ के, हमने चाय वाय पिए, एक नंबर बढ़िया एंजॉय किए. ठीक है, उन्होंने बोला कहाँ ठहरे हो, मैंने कहा यहाँ पे एक छोटी मोटी होटल है, इतना पैसा तो हम कमाते नहीं है कि आपके मतलब हम ताजबाज में रुक पाए, तो हम इतना कर नहीं पाते बेसिकली, हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ मैं छोटे मोटे होटल में, हम लोग बाजू के होटल में रुका हूँ एक नंबर, ओयो में मैंने होटल बुक कर लिया और वहाँ पे बढ़िया रुक रहा हूँ मैं, है ना. तो रतन जी का ये कहना था, रतन जी बोले कि यार इंद्रेश तुम हमारे ऑडिटर हो यार, तुम हमारे ऑडिटर साहब हो, हम तुमको अपॉइंट, हमने तुमको अपॉइंट किया, तुम ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के ऑडिटर हो, तुम कहाँ इधर उधर रुक रहे हो, आपको तो हमारे होटल में ही रुकना पड़ेगा, हम कह दे रहे हैं. मैंने कहा नहीं यार मेरे से नहीं होता, मैं पैसे में तुम्हारे नहीं दे पाऊंगा उतने चार्जेस, तुम इतना लूट लोगे मेरे, तो जितनी फीस नहीं बनेंगी उससे ज़्यादा मैं, मतलब मैं आया यहाँ पे कुछ ले जाने की जगह, मैं तो आपको दे के जाऊँगा, तो मैं नहीं चाहता, मैं नहीं कर ही नहीं पाऊंगा मैं ये चीज़. देखो अगर वो बोल रहे, अगर वो ऐसा बोलते कि मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे देते तो आप फंस जाओगे फिर से. देखो आपको याद आना चाहिए बिजनेस रिलेशनशिप आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं होता, फंस जाओगे. लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने फैसिलिटी एक्सटेंड की आपको, उन्होंने बोला हम आपके पैसे थोड़े लेंगे यार भैया, आप तो ऑडिटर हो हमारे, हम आपसे क्यों पैसे लेंगे. उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिया, उन्होंने क्या बोला, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे जान दो करके, 10,000 रुपये वो होटल का रेंट होगा, मान लीजिए 10,000 वो रूम का किराया होगा, तो वो हम आपसे पैसे नहीं लेंगे आपके लिए फ्री में. तो जो 10,000 रुपये है ना, वो 10,000 रुपये भी मेरे दोस्तों 10,000 रुपये को भी ऐड कर देना होगा आपको ऑडिटर्स के फीस पेबल में. मान लीजिए उसको टैक्सी का खर्चा 100 रुपये आया था, हमने 1,00,000 रुपये उसको फीस देना का वादा किया और उसको फैसिलिटी एक्सटेंड की, फैसिलिटी 10,000 रुपये, तो ऐसे सिचुएशन में 1,10,100 रुपये हम लोग बोलेंगे कि ये ऑडिटर की फीस हो गई. समझो कि नहीं समझो, समझो चलो आ जाओ, बस यही चीज है. लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान से, any remuneration paid to him for any other services rendered by him at the request of the company. Auditor's remuneration में एक चीज नहीं आएंगी, अगर कोई कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है ऑडिटर को कि यार ये भी कर दो मुझे कोई दूसरा वर्क से रिलेटेड, तो ऐसे सिचुएशन में वो नहीं आएगा, वो ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं होगा, वो उसके लिए दूसरी फैसिलिटी एक्सटेंड हो गई और दूसरे का फी पेबल हुआ, हम लोग ऐसा बोलेंगे करके. ऑल गुड, चलिए नेक्स्ट. Therefore, it has been clarified that remuneration to the auditor shall also include any other facility provided to him. करके इन्होंने extend कर दिया. इस पे है ना बेटा, जो मैंने आपको होटल वाला example दिया ना, इसमें बहुत सारे question पूछते हैं. तो यहाँ पे वो ऐसा बोलेंगे आपको कि उन्होंने facility extend की जो arm length price पे नहीं थी, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, पताना ठिकाना. तो आप clear cut लिख देना, इसका मतलब ये नहीं कि disqualification attract होता, जो भी amount हुआ वो हुआ facility extend to him में और वो fees remuneration payable में add हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि disqualification अट्रैक्ट होकर के. समझ गया आपको, समझ गया क्या, बस यही बोलने का मेरा काम था. मैं आपको ना ये थोड़ा अच्छे से बनवा के देता हूं, क्या है ऐसा गुचड़ पुचड़ होगा तो मजा नहीं आएगा आपको. आओ लिखो, लिखते हैं मेरे साथ साथ, आप लोग बढ़िया लिखो मेरे साथ, है ना. चलो आ जाओ फिर हम लोग क्लास को खत्म कर देंगे. आ जाओ एग्जाम्पल, मिस्टर आई जी ट्रैवल्ड From Nagpur to Mumbai for conducting नहीं बोलूंगा, for doing audit. Oh my God. He was
which he will receive 1 lakh as decided in AGM. लाइफ सिंपल है मेरे दोस्तों, ठीक है. उसके बाद when flight landed taxi was sent to pick him up which cost 1000. He stayed in our hotel, in Taj Hotel, room ₹10,000, for which, oh God, for which no amount was charged. ठीक है. Calculate total remuneration. कितना होगा आपका 1 लाख प्लस 1000 प्लस 10000 1,11,000. समझ गया, बस यही तो चीज थी. हो गया, खत्म हो गया, चला फिनिश. ठीक है, आज काफी चीजें हमने पढ़ी. बढ़िया, इसको घर पे आराम से एक बार रीड करना, इसको रीड कर लेना मेरे दोस्तों, समझो बात को. आप अगर रोज का रोज पढ़ोगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा और मेन चीजें आपको ध्यान रहेगा. मेरा ये कहना है आपको ध्यान रहेंगी चीजें, तो ऐसे सिचुएशन में आपको रोज घर पे पढ़ना ही है, बिना भूले आपको पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको आराम से पढ़ो, मैं कोई घाई नहीं है अपने को, बढ़िया पढ़ो ना इसको, टाइम लेके पढ़ो, 1 घंटा रोज पढ़ो. 1 घंटे देखो, 1 घंटे में क्या हमारे 7 पेजेस नहीं होते क्या? 1 घंटे में करो, आधे घंटे में करो, 15 मिनट में करो, आपको जैसा करना है करो, लेकिन रोज एटलीस्ट 1 रीडिंग दो मेरे बच्चों. रीडिंग दोगे तो बहुत मजा आएगा, आपको चीजें समझेंगी जो मैं नेक्स्ट क्लास में बोलूंगा फिर, है ना. चलो, अब आज का एक्चुअली समय हो गया है अपना, आज का समय होते आ रहा है 2 घंटे का, तो आज मैं क्लास को यही रोकता हूँ. नेक्स्ट आने के बराबर मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, फिर मैं पहले इलस्ट्रेशंस करा लूंगा और उसके बाद मैं आपको फिर नया टॉपिक चालू करूंगा. लास्ट मतलब जो नेक्स्ट क्लास रहेंगी उसमें हम लोग अच्छे से पूरे इलस्ट्रेशंस कर लेंगे, अभी तक के जितना मैंने कराना चाहिए आपको. ठीक है, पूरे करवा लूंगा, लेकिन अच्छे से जितना हुआ उतना पढ़ के रखो, ताकि आपको मजा आएगा इलस्ट्रेशन सॉल्व करने में. ओके गाइज, चलो बाय बाय गाइज, टेक केयर, शांति से आराम से पढ़ना, कोई डर मत ना, बिल्कुल डरो मत, ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ. It's simple with IG. Okay? Chalo. Bye 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 bye.